अब इधर देखो बच्चों, बात मत करो, अभी ये बच्चा आपको कुछ बता सुनाएंगे। ये विदेश से आया है, ये यूरोप से आया है बच्चा। ये आपको तो जी इसका हिंदी तो टूटी फूटी हिंदी है, तभी कोशिश करेगा थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। ओम ज्ञान श्रीरांधस्य ज्ञानंजन श्लाघय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय पिताये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम पहले मैं मेरे श्री गुरुदेव नित्री मैं प्रविष्ट विष्णुपाद श्री भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में पुस्तक की ओर दर्द प्रणाम करता हूँ। पश्चात सारे हमारे ब्रह्म माणु गौड़ संप्रदाय हैं, ये जो सारे हमारे गुरुवर्ग हैं उनको मेरा पुष्पांजलि दर्द प्रणाम। और आज यहाँ पर जो सब माताएं, भाई, गुरु भाई, गुरु बहन, सब भक्त जो उपस्थित हैं, हम सब पूज्य पाठ भक्तिदान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अनुगत में हैं, आप सभी को मेरा अनुगत है। हम सब तो आए हैं महाराज जी को सुनने, तो हम एक मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जब महाराज जी हमारा हॉलैंड यूरोप में होता है, जब महाराज जी सालों से आ रहे हैं और इतना मीठी 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 इतना सुंदर हरिकथा वो बोलते हैं, हम सब आकर्षित हो जाते हैं। और जब महाराज जी आता है तो मानो हमारा पूरा साल का मेन इवेंट ये है कि महाराज जी आ रहे हैं। तो महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि हरि नाम का महिमा क्या है। समझ लो आप इस गेट के बाहर जाएंगे अपने घर, तो अगर आपके रास्ते पर 1,000 रुपया पड़ा है तो आप उसको लेंगे या छोड़ेंगे? अब लेंगे ना, किसी का नहीं है। तो आपके पास एक बैग है, 1,000 रुपया देंगे। थोड़ा और दूर आप जाइए, वहाँ पर 10,000 होगा रुपीस, क्या करोगे? वो 1,000 के साथ आपके पास रखोगे या उसको निकाल देंगे और 10,000 रुपये क्या करोगे? वो 10,000 घर घर गया। और कुछ दूर जाओ तो 1,00,000 रुपये पड़ा है, तो क्या करोगे? 10,000 रखोगे या 1,00,000 रुपये लोगे? नहीं नहीं, ये एक को निकालना है दूसरा को, ये भी तुम्हारी क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है वो बैग में। अच्छा, 1,00,000 तो है अभी, तो लखपति हो गया। अगर कुछ ही दूर में 1,00,00,000 पड़ा है तो 1,00,00,000 को निकाल दोगे, 1,00,00,000 को भरोगे। हमारे शास्त्र भी इतने सारे मनी हैं और एक मनी ऐसा होता है उसका नाम है स्पष्ट मनी, अगर इसको स्पष्ट कुछ स्पष्ट करें तो बस सोना बन जाए। तो करो रखोगे या ये चिंता मुक्त नहीं, स्पष्ट मनी करो को हटाओ और ये स्पष्ट नहीं करो। और सबके अंत में वो एक मनी है, वो सुदुर्लभ है, किसी के पास है नहीं, लेकिन वो क्या है? चिंतन, हर किसी के पास है, हमारे साधु महात्मा के लोग के पास है। वो क्या है? एक चिंतामणि। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो चिंतामणि है वो अनमोल वस्तु है जो श्री कृष्ण जब वो 500 साल पहले आया था श्री गौरहरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो सारे भक्त को देते थे। ये क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये चिंतामणि है, जो आप सोचोगे ये आपको दे देगा। लेकिन क्या किस चीज़ को पूछ मांगो? भक्ति मांगो। ये सारे धन दौलत पैसा वो तो आ जाएगा। जैसे बड़े गुरु कहते थे, तुम्हारे पीछे जो कर्म है, पीछे जो जन्म है, जो कर्म किया उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, सुख आएगा, दुख आएगा, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। तो फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र करो और ये चिंतामणि अपने हाथ में रखो, अपने हृदय में रखो, और क्या चाहो
कृष्ण भक्ति और जैसे महाराज जी आए हैं इसी तरह के साधु संग और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ये विदेश से आया है, हैं ये विदेश में रहता है, लेकिन देखो विदेश में होते हुए तिलक लगाए गले में कंठी है हरि नाम सब माला करते हैं सब। हाँ बगल बंदी पहने ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा बैठो वाञ्छा कल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभैरस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीर्तासिकामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सारी करी चरणा बंदन जाहा विघ्नना अभीष्ट पुरण तमादि देवं करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतार अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि वो सर्वप्रथम मेरी गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री स्वर्णकार के ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किया था, लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं प्रश्न कौन कर रहे हैं बोले ये स्वर्णकार जो ऋषि बड़े बड़े ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं। बोले प्रश्न कर रहे हैं किसको बोले श्री सुतो गोस्वामी को। बोले ये सूत मतलब क्या होता है बोले जो रथ को जो चलाने वाले हैं उनको सूत कहते हैं, मतलब ये छोटे जाति के हैं।
लेकिन ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? बोले बड़े बड़े सब ब्राह्मण ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में, कहते जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वह सबसे बड़े हैं। जैसे हनुमंत लाल जी, ये तो बंदर है ना, कौन सा कुल में जन्म लिया? बंदर कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान राम का देखो सबसे बड़े भक्त है। विभीषण राक्षस घर कुल में जन्म लिया, लेकिन जब भगवान राम का दरबार लगता है भगवान उनको बराबर उनको चंडाल है, लेकिन इस चंडाल होने पर भी भगवान के राम के लिए भक्त हैं। प्रहलाद महाराज जब वो भी राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन होने पर भी उन्होंने साक्षात भगवान की को प्रकट कर दिया, बल्कि भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय। ये जो बच्चे लोग हैं ना, इनको तो भेज दो घर में, जब प्रसाद का समय आए तब आ जाए, नहीं तो यहाँ चुपचाप बैठो, यहाँ चुपचाप बैठो, नहीं तो घर में चले जाओ, जब प्रसाद का समय होगा तब तो आ जाओ। प्रसाद का स्मरण आ गया था, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वो बड़ा है। इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, सौनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था, और उसमें एक प्रश्न था कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या। इसलिए हम कल श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे, बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के हरी 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 हरी
रसामृतम की जय, के आनंद की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में तुमको ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम इतना ही जप कर लो। देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं ठाकुर जी उनको रखवाली करते हैं, भगवान उनको रखवाली करते। एक अच्छी कथा सुना रामायण का, बोले एक समय इसकांत नाम का कोई एक राजा थे, वो जा रहे थे सत्संग में, सुमेरु पर्वत गुबर में सत्संग हो रहा था। इतने में बीच में नारद जी मिल गए। आपको पता है हम कहते ना क्योंकि नारद जी क्या काम कर रहे हैं, मतलब क्या तुम झगड़ा लगाते हो, लेकिन नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं, नारद जी भगवान की परम भक्त हैं और ऐसे काम करते हैं जैसे ठाकुर जी की कोई नई लीला बन जाए और ठाकुर को लीला देख करके प्रसन्न रहते हैं। नारद जी देखा तू सत्संग में जा रहे हो सुमेरु पर्वत ऊपर में, बोले देखो जब सत्संग में जाया तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए, संतों को चरण में प्रणाम करनी चाहिए, सबसे पहले संतों को चरण में प्रणाम करियो। बोले गुरुजन को यही सिखाया, जब जाओ संतों के पास में सबसे पहले संतों का चरण स्पर्श करो। जब जा रहे थे ठहरे, बोले अगले इधर सुने घर में, बोले क्या बात है, बोले वहाँ तो सारे संत बैठे हुए होंगे, सबको तो प्रणाम करना, लेकिन देखना वहाँ पर विश्वामित्र भी होंगे, बोले होंगे, बोले केवल उनको प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों, जब सबको प्रणाम करूँगा उन्हें भी प्रणाम करूँगा। बोले बोल दिया ना, वो पहले वही क्षत्रिय भी वही थे तुम्हारे जैसे क्षत्रिय, वो बाद में बन गए ब्रह्मर्षि बने हैं, इसलिए जरूरत नहीं उनको प्रणाम करने। बोले ठीक है आप जैसे बोलते हो वैसे करूँगा। अभी जब सुमेरु पर्वत ऊपर में पहुँचे, देखा सारे संत लोग लाइन में बैठे हुए, सब तो एक एक करके प्रणाम किया, लेकिन बीच में बैठे हुए थे विश्वामित्र, लेकिन केवल उन्होंने विश्वामित्र को चरण में प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र वैसे ही भगवान राम का गुरुदेव है, अगर सबको प्रणाम करो एक को बीच में प्रणाम नहीं करो तो क्या होगा, उनको अपमान फील होगा कि नहीं, उनको बड़ा अपमान लगा, बोले सबको प्रणाम और बीच में मेरे को प्रणाम नहीं किया। जब वो सत्संग खत्म हो गया ना, वो विश्वामित्र जी तंतमाते हुए अयोध्या में पहुंच गए। उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरादारी कर रहे थे। बोले अभी मैं राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं प्रभु जी, थोड़ी देर बाद में मिलना। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोते रहते हैं उनको देश में ऐसा अनहोनी होता है। अभी सो रहे हैं, मैं मिलने के लिए आया। गुरु जी बोले सो रहे हैं, अभी लक्ष्मण जी उनको मना कर रहे थे थोड़ी सी रुक जा। अभी इनकी हाई हल्ला सुन करके प्रभु राम की नींद खुल गई और राम जी बाहर निकल कर के आए। बोले गुरु जी, इसलिए गुरु जी को देखते ही सबसे पहले क्या करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु जी आ गए और तुम बैठ कर बैठे हो, तुम बैठे हो गुरु जी आ गए और तुम बैठ रहे हो, नहीं। इसलिए गुरु जी आते ही क्या करनी चाहिए, खड़े होकर के सबसे पहले गुरु जी के चरण में प्रणाम करनी चाहिए। अभी भगवान राम अपना गुरु जी के चरण में प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए बोले गुरु जी क्या बात, आप इतने क्रोध में क्यों। बोले क्रोध में क्या, ये संत परंपरा की अपमान है, साधुओं की अपमान है। कहते सुकांत राजा सारे संत बैठे हुए थे, सबको चरण में प्रणाम किया, तो बोले मेरे चरण में उन्होंने प्रणाम नहीं किया, इतना बड़ा अपमान है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। जब इतने बोले भगवान राम भी प्रतिज्ञा किया, बोले ठीक है जिस दुष्ट ने आपका चरण में अपना सर को नहीं झुकाया, कल सबर उसका सर ही नहीं रह जाएगा, उसका सर में कत्ल कर दूंगा। हर भगवान जो प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान सत्य व्रत है, उनका प्रतिज्ञा कभी नष्ट नहीं होता है। अभी ये बात धीरे 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 सुकांत को पास में पहुंचा। जब सुकांत ने सुना भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया सबरे मेरे सर को कत्ल कर देंगे, अभी तो डर गए। बोले हे भगवान, ये नारद जी बिना कारण के कारण झगड़ लगा दिया, मैं तो सब संतों को चरण में प्रणाम करना चाहता था, ये नारद जी मेरे को मना कर दिया। रोने लग गए और रोते 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 नारद जी को ढूंढ रहे, नारद जी क्यों झगड़ा लगा, लेकिन जब ढूंढ नहीं रहे थे तब तो मिल गए, जब ढूंढ रहे ना नारद मिल गए।
हैं वो मिल नहीं रहे नारद जी, रोने लग गए। इतने में रोते रहते 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 इतने में श्री नारद जी को ढूंढते ढूंढते जब मिले, बोले आप ऐसे क्यों झगड़ा लगवाया, भगवान राम प्रतिज्ञा किया कल मेरे सर को कत्ल कर देंगे, कल तो मैं मर जाऊंगा। बोले भैया ये मरते जगत है, सबको तो मरना पड़ेगा, बताओ कौन मरेगा नहीं, कौन नहीं मरेगा, भगवान के हाथ में। ये तो बड़े भाग्य की बात है जो भगवान के हाथ में जो मरे हैं, ये तो बड़े भाग्य की बात। बोले मैं नहीं मरना चाहता हूँ। बोले बताओ आप कोई मरना चाहते हो, बताओ कौन मरना चाहते हैं। बोले दुनिया में कोई मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया मरते जगत है, एक ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा इसी जगत में। बोले नहीं आप मेरे को रक्षा करो, कृपा करो। नारद जी बोले एक काम करो, तो माता अंजना जी की शरण में चले जाओ। अंजना कौन है, बोलो अंजना माता जी कौन है, हनुमान जी की माता जी है। और जो माताएं हैं ना बड़ी दयालु होती हैं, माताएं बड़ी कृपालु होती हैं। अभी जाकर उनके चरण में रोने लग गई और माँ का मन का कोमल होता है। बोले बेटा क्या बात है, बोले पहले ये प्रतिज्ञा करो मेरे प्राण को आप रक्षा करो। बोले कोई बेटा चिंता मत करो, बताओ बात क्या। बोले बात भगवान कल श्री विश्वामित्र मेरे को मरवाना चाहते हैं। बोले एक काम करो बेटा अंदर में बैठ जाओ। अंदर में बैठ गए। हनुमान जी शाम को भगवान राम की सेवा करते हुए वापस आए। जब वापस आए देखा माता जी बैठ करके दुखी है। बोले माता जी क्या बात, दुखी क्यों, हनुमान जैसे बेटा रहते हुए अगर उसके माँ अगर दुखी हो फिर हनुमान का जीवन बेकार है। बोले बेटा एक शरणागति व्यक्ति को रक्षा करना पड़ेगा। बोले बताओ वो कौन सा शरणागति व्यक्ति, बुलाया आ जाओ बाहर। बोले बताओ क्या बात है। बोले कल भगवान राम मेरे को मरवाना चाहते, मारना चाहते हैं। अंजना बोली तू तो बोल रहा था क्या विश्वामित्र मरना चाहते, अभी बोल रहे हो राम मरना चाहते हैं। बोले विश्वामित्र राम को द्वारा मेरे को मरवाना चाहते हैं। इतने में हनुमान तो बीच में फंस गए, क्योंकि हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की है कल मैं तेरे को रक्षा करूंगा। अभी और कोई होता तो हनुमान देख लेते, लेकिन उनका प्रभु भगवान राम जहाँ पर प्रतिज्ञा किया, जो सत्य संकल्प है, जो बात को वो बोलते हैं वो सच होता है, कभी झूठ नहीं होता है। अभी तो हनुमान बीच में फंस गए। फंस करके इतने में ही बोले ठीक है एक काम करो। सवेरे सवेरे हनुमान जी उठ गए, उठ करके बोले मेरे साथ में चलो। मेरे साथ में चल करके तब उन्होंने भगवान राम के पास में गए। देखा भगवान राम एकदम सवेरे सवेरे स्नान करके एकदम धनुष बाण लेकर के वो तैयारी। बोले प्रभु सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो। बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को मार कर क्या लाभ, उसको छोड़ देना। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं किया, जिसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया उसका सर रहने का लायक नहीं, उसका सर मैं कत्ल कर दूंगा। बोले प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा किया उसको रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा की, जो कुछ करना तू कर, लेकिन मैं इसको मार करके रहूंगा। अभी हनुमान जी बोले सुकांत मेरे साथ में चलो। अभी बोले मेरे पूछ को नीचे बैठ जा। और भगवान राम बैठ करके बोले चलो दोनों हम ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय पति का कीर्तन।
चर्चा कर रहे थे। देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति है। जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जब करते हैं, कैसे ठाकुर कैसे भगवान का नाम उसको कैसे रक्षा करते हैं। अभी हनुमान तो प्रेम से ठाकुर का नाम ले रहा है, लेकिन जो सुकांत डर से नाम ले रहा है। सुकांत बारंबार पूछ रहा था, बोले हनुमान जी वही तो राम दो अक्षर ही थे ना, ये क्या दो अक्षर राम राम से बचा पाएगा। बोले चिंता क्यों करते हो, दृढ़ विश्वास करके ठाकुर का नाम जप करो, क्योंकि शास्त्र में बताया हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा निकलाया सरिया, अंत में निकलाया सरिया, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान राम ढूंढते ढूंढता है वो दुष्ट गया कहाँ, हाँ करके देखा वो तो हनुमान को सबसे ऊपर हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भगवान राम जब आए उनने क्या देखा, वो तो हनुमान जी का पूछ कर नीचे बैठा हुआ और हनुमान जी आगे बैठे हुए और बैठ करके भगवान की नाम को ले रहे, भगवान के नाम को जप कर रहे। अब इतना देख करके भगवान राम को तो उनने उठाया अपना धनुष, और भगवान का जो बाण है ना, भगवान राम का जो अस्त्र है, जब तीर को पकड़ते हैं ना वो 10 गुण हो जाता है, और जब निकालते हो जाता है 100 गुण, जब चढ़ाते हैं धनुष में हो जाता है 1000 गुण, जब खींचते हैं हो जाता है 1,00,000, और जब छोड़ते हैं ना वो हो जाता है 1,00,000 गुण, और जब वो प्रहार किसको पर करता है उसको प्राण को ले लेता है। भगवान का बाण कभी व्यर्थ नहीं हो। जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जब करते हैं, कितने शक्ति प्रभु का नाम से। जब भगवान राम ने उठाया धनुष और उन्होंने मारे बाण को मारे, लेकिन वो भगवान का नाम जब कर रहे थे, उसी समय क्या हो रहा था, ये जो नाम है ना ये एक रक्षा चक्र रूप में चारों तरफ में घूम रहा था, एकदम चक्र जैसे बना हुआ था रक्षा चक्र। भगवान राम जितने बाण मारे वो जा करके क्या होता है, जो चक्र है वो चक्र में लग करके गिर जाता है, चक्र में लगता है और गिर जाता है, चक्र में लगता है गिर जाता है, कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो भगवान का नाम में इतने शक्ति है ठाकुर जी भी, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई। भगवान का नाम में इतने शक्ति है ठाकुर जी भी अपना नाम की महिमा को गा नहीं सकते, इतने महिमा ठाकुर जी के नाम को। जब लक्ष्मण जी ने देखा ये क्या हो रहा है, भगवान का राम का बाण कोई काम नहीं कर रहा है, इतने में लक्ष्मण को तो बड़ा क्रोध आया। बोले भगवान का नाम है, भगवान का नाम सहारा लिए व्यक्ति कैसे कैसे बच रहा है। लक्ष्मण को क्रोध आया, उठना उठाया उसने धनुष, और उसने धनुष उठा करके उन्होंने हनुमान जी का जो छाती के ऊपर में ना बाण को, ये गुरु तत्व है, हैं वो भगवान ने ये गुरु की है, जब उन्होंने बाण हनुमान जी को छाती के ऊपर में मारे, लेकिन हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं, बोलो जोर से, हनुमान के हृदय में प्रभु राम बैठे हैं। जब उन्होंने बाण मारे लगा तो हनुमान की छाती पर, लेकिन भगवान राम बेहोश हो गए। जब राम बेहोश हो गए बोले ये क्या हुआ, भगवान राम स्वयं बेहोश हो गए। जब राम की होश आया इतने में सुकांत को पूछ रहे हैं, बोले सुकांत ये बताओ तुमको कौन सा असत संग में ये दुर्बुद्धि हुई, तुमने हमारे गुरु जी विश्वामित्र जी को तुमने प्रणाम नहीं किया। बोले ठाकुर जी ये असत संग से नहीं हुआ, सत्संग से हुआ।
बोले सत्संग से, कौन सा सत्संग से? बोले श्री नारद जी की सत्संग से। जब ये बात को बोले, बोले नारद जी तुमने ये बात कैसे उनको सिखाया? जिस सबको प्रणाम करना, हमारे गुरु जी को ही प्रणाम नहीं करना, ऐसे तुम्हारी दुर्बुद्धि कैसे आई? बोले प्रभु जी, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, हनुमान नारद जी ये बताओ, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। मैंने सोचा कितने लोगों को मैं आंसर दूं, ऐसे एक काम कर दूं जो दुनिया को क्या पता चले, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। दुनिया को ये बात पता चली जाए, जब उन्होंने ये बात को बताए, इतने में विश्वामित्र जी आए, जब विश्वामित्र जी आए, इतने में नारद जी हैं, सुकांत को बोले, सुकांत गुरु जी आ गए, जाओ जल्दी जल्दी गुरु जी के चरण में प्रणाम करो। सुकांत भागते हुए गया और गुरु जी के चरण में प्रणाम किया। देखो संतों को ना, संत अगर क्रोधित तो हो, संतों का कमजोर कहाँ पर जानते हो? उनका चरण में। बस एक बार संतों का चरण में गिर जाओ ना, कितना संत हृदय नवनीत समाना, फिर तो संतों का हृदय एकदम पानी पानी हो जाता है। जब उन्हें संतों के चरण में, गुरु जी के चरण में गिर गए, और संत तो दयालु होते हैं, संत संघार नहीं करते हैं, संत सवालते हैं, संत संघार नहीं करते हैं, संत क्या करते, सवालते हैं, संत रक्षा करते हैं। जब उनके संतों के चरण में गिर गए, गुरु जी संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो करके विश्वामित्र जी फिर भगवान राम को बोले, प्रभु राम आप तो मेरे वजह से आपने प्रतिज्ञा किया था ना, उसको मारो, मैं इसको माफ़ कर दिया हूँ, आप भी इसको माफ़ कर दो। भगवान राम भी उनको माफ़ कर दिए। देखो ध्यान देकर सुनो चीज, जो व्यक्ति भगवान की नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, ठाकुर जी नाम कैसे उनको रक्षा करते हैं, भगवान भी स्वयं, ठाकुर जी स्वयं भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए कलयुग में भले ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, क्या करो, जो कुछ करते हो ठाकुर को सेवा मान करके हाथों में करो, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की, ठाकुर जी की, हाँ ठाकुर का नाम जप करो। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो सबके सब, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म का हानि होने लग जाए, संतों के ऊपर में, माताओं के ऊपर में, गैया में, पृथ्वी के ऊपर में कोई अत्याचार हो, मैं तब तक इस जगत में जन्म ग्रहण करके संतों को, भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की बात आई है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है, ठाकुर जी चतुष्ण रूप में ठाकुर जी आए, इसलिए भगवान की 6 तरह का अवतार है, उसमें एक अवतार ये चतुष्ण है। कहते ये चतुष्ण का जीवन क्या है? बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवन है। जैसे हम लोग रोज रोटी चावल खाते हैं ना, रोटी सब्जी खाते हैं, ये हमारी जीवन है। लेकिन उनका जीवन क्या है? बोले भगवान की कथा है। अगर कई कथा सुनाना हो ना, बस ठाकुर जी की कथा सुनाना शुरू कर देंगे। अगर कोई सुनने वाला नहीं हो, फिर एक भाई तो व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा और तीनों भाई बैठ जाएंगे और भगवान की कथा सुनते रहेंगे।
इसलिए इनका उम्र हर समय 5 साल उम्र से इनका उम्र कभी बढ़ता नहीं। बोले क्यों नहीं बढ़ता? बोले कारण है कि जो सूरज है ये काल है, है ये सूरज काल है, जब ये उदय हो करके ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं ना हम तो बड़े हो रहे हैं, हम कोई बड़े नहीं हो रहे, हम धीरे 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 छोटे हो रहे हैं। कोई बोलेगा हम तो 50 साल के हो गए, हम 40 साल के हो गए, हम 50-40 साल के नहीं हो गए, हमारे 50-40 साल घट गए, कम हो गए। लेकिन सबका परमायु तो काल हरण कर रहा है, लेकिन किसका काल ये परमायु हरण नहीं कर पाता है? बोले जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं, ठाकुर जी की कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की भजन करते हैं, केवल उन्हीं का ही परमायु नष्ट नहीं होता है और सबका परमायु नष्ट होते जा रहा है। इसलिए भगवान की जो दूसरा अवतार है ठाकुर जी, बराह रूप में ठाकुर जी आए, इसलिए बराह रूप में ठाकुर जी आकर के ये रसातल में ये पृथ्वी चली गई थी और उन्होंने अपना मुंह को दंत को ऊपर में रख करके ये पृथ्वी को उन्होंने उठाया और उन्हें ये पृथ्वी को ठाकुर जी ने स्थापन किया और उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया। देखो ध्यान देकर सुनो, कहते शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो। हाँ ध्यान देकर सुनो, क्या क्या नहीं करनी चाहिए? पहला नंबर है तीज शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकदम शाम का समय में भोजन करेगा ना, उसका पेट का रोग कभी सही नहीं होगा, जिंदगी भर वो बीमार रहेगा। इसको नोट कर लो, कभी शाम को भोजन नहीं करनी चाहिए। दूसरा नंबर है कभी शाम को सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम को सोएगा उसको घर में कभी लक्ष्मी माँ कभी नहीं आएगी, लक्ष्मी कभी घर में नहीं आएगी। अगर लक्ष्मी हो तो धीरे धीरे लक्ष्मी घर से चलते जाएगी, घर से निकलते जाएगी, इतनी गरीब बन जाएगा। इसलिए शाम का समय में कभी मत सोया करना, और शाम का समय में पढ़नी नहीं चाहिए, जैसे बच्चे लोगों को पढ़ानी नहीं चाहिए, आगे पढ़ाओ पीछे पढ़ाओ। हम कभी कभी कहते ना बच्चा तो पढ़ता है ठीक से, लेकिन जब पेपर देने के लिए जाता है सब भूल जाता है। बोलते ना घर में पढ़ाई सब ठीक से करता है, लेकिन वो पेपर जब देने जाता है सब भूल जाता है। इसलिए नियम है जो बच्चा शाम को पढ़ेगा उसका कभी याद नहीं रहेगा, विद्या कभी उसकी याद नहीं रहेगी, इसलिए कभी भी शाम का समय नहीं पढ़नी चाहिए। और जो चौथा काम है कभी पति पत्नी सहवास नहीं करनी चाहिए। अगर उसी समय में अगर कोई सहवास करते हैं, जो बच्चा होगा ना वो बड़ा दुष्ट राक्षस बन करके जन्म होगा। कथा सुन लो, कहते एक समय श्री कश्यप ऋषि के पत्नी थी दिति, वो थी राजकुमारी। ठीक शाम का समय को उन्होंने अपना शीशा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर श्रृंगार की, वो देखने में बड़ी प्यारी थी राजकुमारी। जब अपना शरीर को ठीक शाम का समय में श्रृंगार की, अब इसका जो हृदय में एकदम काम का भाव जागृत हुआ, उसने अपना पति कश्यप ऋषि से मिलने के लिए प्रार्थना की। कश्यप ने कहा देखो दीदी, ये जो समय है ना, शंकर जी भूत पिशाचों के साथ में भ्रमण करते हैं, ये शंकर जी घूमने का समय है, इसलिए इसी समय में सहवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन मना करने पर भी दीप्ति इतने कामातुर हो गई थी, वो जोर जबरदस्ती पति को साथ में मिली। लेकिन कश्यप जी ने कहा देखो दीदी, तुमने अच्छी काम नहीं किया, तुम्हारी जो पेट में है ना राक्षस जन्म लेंगे, 2 राक्षस जन्म लेंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग भी देख रहे ना, कभी कभी घर के ऐसे बच्चे होते हैं सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं, पिता माता जो बोलते हैं आज्ञा पालन करते हैं। अब देखना कभी कभी ऐसे बच्चे होते बात नहीं सुनते, उदंड होते हैं। कारण क्या है? कारण है जिस समय गर्भाधान, मतलब जिस दिन माताएं गर्भ में बच्चे को धारण किए, वो समय अगर अच्छा होना बच्चे बड़े अच्छे बनते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं। इसलिए माताओं को ये सब चीज पर ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है पेट में जब बच्चे हो, माताओं को उल्टा पुल्टा चीज सिनेमा पिनेमा नहीं देखनी चाहिए। उस समय रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत सुनो,
वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनकर के जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए भगवान बरहा अवतार लेकर क्या किया उन्होंने, फिर नाच को उन्होंने वध किया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले भगवान का जो तीसरा अवतार है ठाकुर जी, कभी ये भक्त अवतार रूप में श्री नारद रूप में आए। हम सब नारद जी को जानते हो हैं, ये नारद जी की कि जितने प्रभाव है, अगर थोड़ी सी नारद जी का किसको प्रति कृपा हो जाए ना, आशीर्वाद हो जाए तो संत बन जाते। ध्रुव प्रह्लाद का नाम सुने हो, वो 5 साल उम्र के बच्चे थे, लेकिन नारद जी की कृपा हो गई तो कितने बड़े ध्रुव जी बने। अभी भी ध्रुव तारा को हम याद करते हैं। और श्री प्रह्लाद महाराज जिन्होंने खंभे से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, जब पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये तो बताओ मेरे ठाकुर जी है नहीं कहाँ, बोले क्या खंभे में है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर, सचमुच से ठाकुर प्रकट हो गए। बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखा करके बाद में तेरे को दिखाऊंगा। जब उन्होंने उन्होंने मुष्टिकाघात की, खंभा फट गया, कौन प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए ऐसे ऐसे भक्त हुए, और उनको और दो चले हुए, एक वाल्मीकि और एक व्यास। और ये दोनों जो शिष्य हुए जो वृद्ध है, इन्होंने 2 ग्रंथ रचना की। वाल्मीकि ने रामायण रचना की, व्यास देव ने ये भागवत रचना की, जो हमारी सनातन धर्म में कि जो दो जो ग्रंथ हैं सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, एक रामायण और एक श्रीमद् भागवत। ये वाल्मीकि पहले दशरथनाकर था, देखो संतों की क्या कृपा है। वो चोरी डाकू कर डाकू डालता था, एक दिन नारद जी से मिल गए, बोले बाबा निकालो क्या पास में, क्या निकालो, बोले भैया आप तो संत हैं, हमारा पास में तो लोटे छोटे लंगोटे ये 3 चीज, बोले निकालो जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने ये बताया, बोले ये तुम बताओ, तुम जो ये पाप कर्म करके पैसा कमाते इसको कौन लेगा, बोले मेरे बीवी, ध्यान देकर सुना, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता, बोले देख ध्यान देकर सुन, ये सब जितने दिख रहे हैं ना सबको तुमके सामने, ये सबके सब सुख का समय दिख रहे हैं, जब कर्म का फल भोगना पड़ेगा तेरा कोई साथ नहीं देगी, जब कुछ करेगा। वो पूछने के लिए गया, अपना पत्नी से पूछा, बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा मैं कमाता हूँ तुम अलसीदार बनोगी नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा। बच्चों से पूछे, बोले अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमको लिखा पढ़ा सिखा कर बड़ा बनाना, जब हम बड़े बनेंगे फिर सोचेंगे। फिर उन्होंने पूछे पिता माता को, बोले तेरे को जन्म दिया लिखा पढ़ा सिखाया किस लिए, पैसा हमने कैसे कमाया हमें पता, तू कैसे कमाते हो हमें पता नहीं, बोले भैया ये बाबा तो सही बता रहे थे, ये तो सबके सब सुख में साथ दे रहे हैं, ये तो कोई दुख में साथ देने वाले नहीं। वापस आए, बाबा का चरण में गिर गया, गिर करके बोले बाबा आप तो सही बता रहे थे, ये तो कोई भी पाप को लेने के लिए तैयार नहीं, सबके सब सुख लेने के लिए तैयारी, बताओ मुझे क्या करनी चाहिए, मैं तो बहुत पाप किया। तब उन्होंने बोले बोलो राम, बोलो बोलो, आप कोई बोल नहीं रहे हो, देखो जब कथा सुना ना मेरे तरफ में देखना, इधर उधर मत देखना, कोई एक माता जी कोई साड़ी पहन करके आ जाए ना, माता जी सब उधर देखने लग जाते हैं, कैसे कपड़े पहन करके आए, कैसे कपड़े ओढ़ करके आए, नहीं आप सब मेरे तरफ में देखो, इधर उधर मत देखा करो, ठीक है सब मेरे तरफ में देखो, साड़ी देखने के लिए थोड़ी यहाँ पर आए हो। इसलिए बोले उनको बोले बोलो तो राम, बोलो बोलो बोलो, लेकिन देखो आप लोग तो राम बोले क्यों, आप लोग को पुण्यात्मा है, बहुत अच्छे कर्म किए हो तभी प्रभु का नाम निकलता है, लेकिन उसका मुंह में राम का नाम ही नहीं निकला, क्योंकि जो पापी होते हैं ना उसको मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है। देखना दिन भर बैठ करके उल्टा पुल्टा बात करते रहेंगे, बोले भैया थोड़ा बैठ करके राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, बोले हमसे नहीं होता, तो बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, इसलिए कहते उल्टा नाम जप तो जग जाना, और बाल की भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन माही। अगर उनने उल्टा नाम लेते लेते अगर उन्हें सीधा हो गया
और दसु रत्नाकर से अगर बन गए बाल्मी, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो कितना कल्याण नहीं होगा। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। यदि भगवान का तीसरा अवतार श्री कौन हुए, श्री नारद जी हुए हैं, क्या तो भगवान की जो चौथा अवतार है भगवान की जो चौथा बता रहे हैं भगवान श्री नर नारायण रूप में ठाकुर जी प्रकट होकर के बद्री का आश्रम में ठाकुर जी स्वयं वहां पर तपस्या कर रहे हैं। बोले तपस्या तो जीव करते हैं, पर ये तपस्या भगवान क्यों करते हैं? ये तपस्या तो जीव को करनी चाहिए, लेकिन ये तपस्या ये ठाकुर जी क्यों तपस्या करते हैं? देखो ध्यान देखो सुना। बोले एक समय श्री नारद जी इसी मरते जगत में आए, सबको पास में गए। अब देखो इधर ध्यान देखो सुना, देखो एक बात सुन लो बच्चों ने, सब सुन लो इधर सुना, मेरे तरफ में देखो सबके सब। जब हमें कथा सुनने का हो ना, आप जिसको बच्चे इधर सुनो, बात मत करो बीच में, इधर देखो, देखो इधर मेरे तरफ में देखो। अगर तुमको कथा सुननी है जिसको तुम जानते हो ना, उससे अलग होकर था बढ़िया बढ़िया बच्चों तरह अलग होकर बढ़िया। अगर मेरे सामने बैठ कर बात करोगे, घर में तो बात करते ही, अगर कथा में आकर फिर बात करने लग गए तो मेरे कथा में क्यों आए? कथा सुनने के लिए आए ना, इसलिए कथा में बैठ करके बच्चों मैं सामने मेरे सामने बैठ रहा, इसलिए आपस में बात नहीं करना। समूह में हाथ लगकर बैठिया, समूह में हाथ लगकर बैठो। देखो मैं बैठ सामने बैठ कर मैं देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए एक मन से कथा सुनो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए नारद जी एक समय इसी मर्त्य जगत में आए और आकर के उन्होंने घर घर में गए और सबसे उन्होंने पूछे, सब ठीक ठाक है ना घर में? सब घर गृहस्थी सही चलता है कि नहीं? सब ऊपर से तो सर हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात उन्होंने पूछे, देखा कोई भी संसार में ठीक ठाक नहीं, सबके सब रंग है। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी। उन्होंने देखा सब दुखी 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 संसार में, कोई संसार में सुखी नहीं है। इतने में नारद जी गए वैकुंठ में। जब नारद जी वैकुंठ में गए, वहां पर देखा महाशिव लक्ष्मी नारायण के चरण की सेवा कर रही हैं और भगवान लेटते हुए और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु जी दुनिया को आपने ही बनाया और मैंने देखा संसार में सबके सब दुखी, लेकिन आप तो यहाँ पर अपना लक्ष्मी को लेकर के बड़े आनंद में हाँ मस्त हो, हैं मस्त हो। इतने में भगवान ने कहा, बताओ ये क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु आप जो करोगे ना, बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग उसको देख करके सीखते हैं, पिता माता जो करते हैं बच्चे तो वही देख कर सीखते हैं। इसलिए आप तो जगत का पति, दुनिया जगत पति हो, इसलिए आप जो करोगे दुनिया तो वही करेगा। बोले बताओ, सीधा बताओ ना, टेढ़े मेढ़े क्यों कर रहे हैं बात बात को? बोले आप अपना लक्ष्मी को लेकर के दिन रात पड़े हुए हो, इसलिए दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर के दिन भर पड़े हुए, हम भी अपना पत्नी को लेकर, हम भी लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़ रहे हैं। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, भजन करोगे, फिर आपको देख करके ना दुनिया भी भगवान की भक्ति करेगा। भगवान ने बोले ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए जहाँ पर भगवान की हम भक्ति करें। इतने में भगवान ढूंढते ढूंढते बद्री का आश्रम पर ठाकुर जी पहुँचे। आप लोग बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन बद्रीनाथ गए हैं हाथ उठाओ तो? कोई भी नहीं गए बद्रीनाथ? हे भगवान, अब कौन जाना चाहते हो बोलो, आपको सबका हम ले जाएंगे। हाथ उठाओ, कौन हाथ भी नहीं उठा रहे जाने के लिए? हाँ एक बार आपको प्रोग्राम बना करके ना, आप सबका बद्रीनाथ ले जाएंगे। देखो वहाँ पर जाने का बड़ा पुण्य है, वहाँ पर जो एक बार बद्रीनाथ जाए। देखो ये पृथ्वी में कहीं भी ये चार धाम नहीं है,
जो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, लोग कहते चलो हम अमेरिका चलते हैं, लंदन चलते हैं, हम विदेश में चलते हैं, विदेश में कोई एक भी तीर्थ तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए विदेश लोग अभी भारत में आकर के भगवान के धाम को जाते हैं, दर्शन करते हैं। है विदेश में गंगा मिलेगी, विदेश में यमुना मिलेगी, वहाँ पर सरस्वती मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए देखो जो विदेश से आए ना, जो बच्चे कथा कर रहे थे, वो विदेश से यहाँ पर आए, नवद्वीप धाम अभी जा रहे हैं, भगवान का धाम में जा रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान जो भारत में जन्म हुए हो, बड़े भाग्यवान हैं। साधारण भाग्य से भारत में हमारे जन्म नहीं होता। जीवन रहते रहते एक बार सारे धाम को दर्शन करनी चाहिए। कौन कौन चलेगा? हाथ और एक बार हाथ उठा, सही सही बोल रहे हो। एक बार हम सबको लेकर धाम चलेंगे, सब जगन्नाथ पुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सब एक बार घुमा दे तुम्हें, ठीक है ना? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? भगवान बद्रीनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का वरदान है। अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ में आ जाए, मुझे केवल दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, ये तपस्या का जो छठ विभाग का फल अपने आप जो दर्शन करेगा उसको मिल जाएगा। जो एक बार केवल बद्रीनाथ चले जाए, फिर जगत में जन्म पर तो नहीं होगा। फिर पहले तो इतना कष्ट था दर्शन करना। जो बड़े बूढ़े होते थे ना, जब ये चार धाम जाते थे, बोलते थे हमारी श्राद्ध क्रिया कर लेना, हम शायद वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? वो रास्ता बड़ी कठिन रास्ता था, पेड़ को पकड़ पकड़ करके बड़ी कष्ट से जाया करते थे। अभी तो ऐसे बन गया, कोई चलने का जरूरत नहीं, बस गाड़ी में बैठो, सीधा वहाँ उतरो, ठाकुर का दर्शन करो, स्नान करो और घर में वापस चले आओ। हैं, अभी सब गाड़ी रास्ता की सब सुविधा हो गई है। इसलिए भगवान बद्री विशाल रूप में ठाकुर जी, बद्रीनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। बोले श्री बद्री विशाल की। माता जय का ठीक से नहीं दे रहे हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ऐसे ही ठाकुर जी ने 24 अवतार ठाकुर ने लिया। जब श्री सुत गोस्वामी ये सारे अवतारों की बात बोल रहे थे, उन्हें ये बताए जो भगवान जो कृष्ण हैं, ये भी एक अवतार हैं। अभी सुतो गोस्वामी तो डर गए, वे तो गड़बड़ी कर दी, बोले क्यों? मैंने बोल दिया भगवान कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन भगवान कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण कौन है? बोले ये अवतारी। बोले अवतारी का मतलब क्या होता है? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। खैर उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने एक अलग श्लोक बनाए। बोले एते चाह सकला ध्वंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्यातुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। बोले हे सौनकादि ऋषियों, मैंने ये जितने अवतारों का नाम लिया है, कोई कृष्ण का अंश, कोई अंश का अंश कला, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म, केवल कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण को भक्ति कर देते हैं, तुम लोग सो यादव मतलब है ना, सो यादव है कि नहीं? यादव हो ना, कौन कौन यादव हो? हाँ तो साधो, कौन कौन यादव है? देखो कृष्ण यादव वंश है कि नहीं? जो यादव वंश के कौन आए? भगवान कृष्ण आए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब हम कृष्ण को भक्ति कर लेते हैं ना, कृष्ण को हम भक्ति कर देते हैं, सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है। क्योंकि भगवान को अंदर में ये 33 करोड़ों देवता, ये ठाकुर जी के अंदर में विद्यमान है। आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब कृष्ण ये विराट रूप भगवान कृष्ण दिखाया, उन्होंने क्या दिखाया? बोले अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर जी कहते हो वो शंकर मेरे में, जिसको तुम माँ देवी कहते हो देवी मेरे अंदर में, जिसको तुम गणेश कहते हो गणेश मेरे में, जिसको तुम हनुमान जी कहते हो हनुमान मेरे में। इसलिए मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ है ही नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, ठाकुर जी के अंदर में। जब हम कृष्ण का नाम ले लिया, कृष्ण को भक्ति कर लिया, कृष्ण की सेवा कर दिया, तो क्या हो गया? ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड,
मैं जितने 33 करोड़ देवता सभी का पूजा अपने आप होगी, सबकी पूजा अपने आप हो गया। जैसे के पेड़ हैं, अच्छे तरह से समझो, जैसे के पेड़ हैं, अगर पेड़ का जड़ में अगर तुमने पानी दे दिया और कहीं पानी देने का जरूरत है तो ना सारी जगह में पानी पहुंच जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पेड़ का जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको पत्ते में, उसको टहनिया में, उसको फल में अगर पानी देता नहीं, क्या वो पेड़ जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। जैसे आहार, जैसे रोटी सब्जी हम कहाँ देते हैं? मुंह में देते हैं ना कानों में ना आँखों में देते हो? कहाँ पर देते हो रोटी? मुंह से खाते हो। जब मुंह में खा लो ना, तुम्हारी सारी इंद्रियाँ तुम्हारी काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति मुंह में रोटी सब्जी नहीं दे करके बोले कान में सुनते ना, तुम्हारा कान में डाल तो डाल, हैं आँखों में देखते हैं तेरा रोटी सब्जी आँखों में, कोई देते हैं क्या? नहीं देते। जब मुँह में दे दो आहार, पूरा इंद्रियाँ हमारी सारे काम करते हैं। उसी तरह जब भगवान कृष्ण को तुमने भक्ति कर ली, क्या हो गया? विश्व ब्रह्मांड में जितने सब देवा देवी है ना, ये सब के सब खुश हो गए। इसलिए कहते हैं जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में बांके बिहारी जी की कृपा हो गई, उसको ऊपर में सबका कृपा अपने आप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते जो भगवान कृष्ण है, जो यादव वंश में जो जन्म ग्रहण किए, सब यादव तुम वंश है ना, बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण वंश में जन्म हुए हो। भगवान के वंश में तुम्हारी जन्म तुम लोग साधारण नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? कृष्ण को ही भक्ति, तुम लोग कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। शब्द सम्मान दो लेकिन हृदय में ना, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, हृदय में केवल श्री गिरधर लाल को ही बैठाओ। बोले श्री बांके बिहारी की, बोले श्री बांके बिहारी की, जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। ऐसे ही श्री सुतो गोस्वामी भगवान की यहाँ पर 24 अवतार की उन्होंने वर्णना करते हैं। बोले अभी जगत का सृष्टि, जिस समय श्री सुतो गोस्वामी सारे अवतार को उन्होंने बात बताई और भगवान को पूर्ण ब्रह्म रूप में उन्होंने स्थापन किए हैं, अभी क्या हुआ? भगवान कृष्ण अभी पांडवों के घर में, बहुत दिन से पांडवों के घर में, जब जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी करते हैं लेकिन ये पांडवों ने कुछ ना कुछ बहाना बना देते, कृष्ण को घर से जाने ही नहीं देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं। एक दिन कृष्ण ने बोले अपना बुआ कुंती जी को बोले, बोले बुआ जी कुछ मेरे से बर मांगो, क्योंकि कुंती भगवान को स्तुति कर रही थी। बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रह। ठाकुर जी को तक हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल कमल को साथ में ठाकुर को उदाहरण दे रहे थे। बोले क्यों? बोले जो कमल है वो देखने में बड़े सुंदर कमल लगते हैं, इसलिए कमल को साथ में उदाहरण दे रहे थे। जब कृष्ण को बड़ी स्तुति कर रहे थी, इतने में बोले बुआ जी आज तो तुम तो उल्टा गंगा बहा रही हो, कहाँ मैं तेरी भांति जा, मुझे तुम्हें वंदना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, लेकिन तुम तो उल्टा स्तुति कर रहे हो। बोले कन्या यही तो तेरी माया है, कहाँ तू सारा दुनिया की मालिक हो और किसको बुआ बना दिया, किसको बेटा बना दिया, किसको पिता बना करके सारा दुनिया को तुम माया में बांध करके रखे हो। इसलिए कन्या तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, तेरे माया को समझना। इसलिए जिस समय एक समय तुमने ब्रज में मक्खन तुमने चोरी की, मैया ने तुमको पकड़ लिया है, बोले तू आज घर की मटकी फोड़ दी, आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी। उसी समय में तुम थर 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 कांप रही थी, रो रही थी, बोले मैया मेरे को छोड़ दे, मारना नहीं मेरे को। उसी समय मैया ने तेरे को उखल में बांध दी थी और तू रो रहा था, मैंने देखा ही भगवान कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जिनकी डर से काल भी थर 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 कांपते हैं, आज तो यही मैया के डर से थर थर कांप रहा है। मैंने ठीक से देखा, ये तो नाटक नहीं कर रहा है ना, सचमुच से रो रहा है।
मैंने देखा तू सचमुच से रो रहे हो, इसलिए ठाकुर जी तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। कितने में कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ जी, आज तुम्हारी मन में जो कुछ इच्छा ना मेरे से बर मांग लो। देखो मैया कुंती भगवान से क्या बर मांगती है, बोले विपत संत न साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले कन्हैया अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो ना, मेरे झोली में विपत्ति भर दो। लेकिन जब हम ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं क्या मांगते हो, दुख कहते ना सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तनुके जय जगदी सहरी। हम बोलते हैं ना ठाकुर जी हमारे घर में सारी सुख संपत्ति आए, सारे दुख खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर बुआ जी क्या मांग रहे, मेरे घर में दुख दे दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे को सुख चाहते तो दुख क्यों चाहते हो। देखो माता कुंती क्या कहती है, बोले कन्हैया इसलिए मैं दुख चाहता हूँ, कहते दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। आप लोग ठीक से बताओ तो तुम ठाकुर जी को कब ज्यादा याद करते हो, सुख में ना दुख में, बोलो ठीक से। सुख में सब भूल जाते हैं, इसलिए मैया कुंती कहती है, बोले ठाकुर जी जिसको पास में ये चार चीज रहेगा ना तेरा भजन नहीं करेगा। बोले क्या चार चीज, बोले जिसको पास में थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए, सदा पैसा आ जाए। बोले हमारा भजन करने का क्या जरूरत है, हमारे पास में किस चीज की कमी है। देखना जिसको पास ज्यादा पैसा ना वो सत्संग में भी ज्यादा नहीं दिखेंगे, वो कहाँ पर ज्यादा दिखेंगे, जहाँ पर सब पी रहे होंगे ना वही पर दिखेंगे, हैं वो सत्संग में ज्यादा नहीं आएंगे। ये मैया कुंती खुद कह रही है, बोले प्रभु जिसको पास में ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा अभिमान आएगा वो तेरा भजन नहीं करेगा, और जिसका थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए जो तेरा हीरो हीरोइन हो जाए ना सुंदर थोड़ा, कहते वो भी बड़े अभिमान है। तीसरे चीज जिसको थोड़ा उच्चे कुल में जन्म हो जाए वो तेरा भजन नहीं करेगा, और जिसको अंदर में थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ जाए ना पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, बोले प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु कौन भक्ति करेंगे, बोले दीनेर अधिक दया करें भगवान, जो दीनहीन व्यक्ति उसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा होता है उनको ऊपर में। अगर हमारे पास में पैसा है धन है जन है, हम भगवान की भक्ति करते हैं क्या समझनी चाहिए, ठाकुर जी की उसको ऊपर बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा उसको ऊपर में। इसलिए मेरे झोली में विपत्ति भर दो, इसलिए कहते ना दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, इसलिए प्रभु मेरे को झोली में दुख डाल दो। हाँ देखो ध्यान देखो सुनो, इसका मतलब क्या है, हमारे घर में जो प्रभु की भजन करे उनको घर में दुखी दुखी आए, इसका क्या मतलब, बोले नहीं इसका मतलब ये नहीं, कहते ना सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, कहते इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है, बोले जिस देश में परिवेश में रहो और राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, इसका मतलब ठाकुर जी जिस अवस्था में रखे तुम्हें उसी अवस्था में रहो, लेकिन भगवान को कभी भूलना नहीं, ठाकुर जी को कभी भूलना नहीं। हर समय क्या करो, हाथ उठाकर के बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी पितामह भीष्म वो सर सज्जा में लेट हुए हैं, अभी पितामह भीष्म का भी इच्छा है ये अंतिम समय में ठाकुर जी के नाम को लेते लेते ठाकुर जी के दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग दें। इतने में ठाकुर जी पंच पांडवों को लेकर के ऋषि मुनियों को लेकर के श्री पितामह भीष्म को पास में गए और एक एक करके ना ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज भीम नकुल सहदेव एक एक करके प्रणाम कर रहे थे और पितामह भीष्म आंख बंद किए हुए और ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। इतने में उनकी यही इच्छा है, इतने में कृष्ण भी जाकर के प्रणाम किया, परिचय क्या दिया, बोले अर्जुन सारथी कृष्ण आपको प्रणाम कर रहे हैं। बस इतना बोलते ही
पितामह भीष्म तपट आंख खोल दी, क्योंकि वो ठाकुर जी की याद कर रहे थे और सामने ठाकुर जी को देखे। इतने में पितामह भीष्म ने भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की। बोले ठाकुर जी, मेरी एक लड़की है, वो लड़की अभी जवानी है। अगर किसी पिता की लड़की जवानी हो गए, पहले पिता माता क्या चाहते, लड़की जब बड़ी हो जाए उसको शादी करा दे। लेकिन अभी पिताजी को अगर अंतिम सज्जा में लेट हुए मरने का समय, हर पिता चाहते ना मरने से पहले अपना बेटी को हम शादी करके जाए। बोले मेरी एक बेटी वो कुंवारी है, लेकिन सारा जीवन उसके लिए मैंने पति ढूंढा, लेकिन पति कोई मिले ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे अपना बेटी को मैं शादी कर दूँ ना, मेरा प्राण चैन से चल जाएगी। कृष्ण ने कहा, पितामह भीष्म, उनका भीष्म नाम क्यों पड़ा पता है कि नहीं? उन्होंने प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा किया। पहले उनका नाम था देवव्रत, उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, क्या की, मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगा, जिंदगी भर में ब्रह्मचारी बन करके रहूँगा। वो ब्रह्मचारी है ना पितामह भीष्म, बेटी किसकी होता है, जो शादी करते हैं उनको बेटी होती है, लेकिन ये तो जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं की, फिर इनकी बेटी कहाँ से आ गई? बोले पितामह भीष्म, आप तो ब्रह्मचारी, आपको बेटी कहाँ से आ गई? तो वो कहते हैं, बोले इति मति रूप कल्पित तृष्णा, कहते मेरे जो बेटी है ना, मेरे जो मन है, मेरे जो बुद्धि, वही बेटी है। इसलिए बेटी अगर बढ़िया जगह पर तुम बेटी को शादी दे दो ना, पिता माता खुश हो जाता ना, मेरे बेटी बढ़िया जगह पर पहुंच गई। इसलिए कहते मेरे जो मन, ये बुद्धि ही बेटी, ये बेटी कब प्रसन्न रहेगी? कहते ना, ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जी तो जो चुड़ल अमर हो जाए। कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। भजन तो शांति हो, इसलिए ये पितामह कहते हैं असली पति कौन है? बोले कृष्ण है, ये मन ही हमारी बेटी है। कहते जब तक इसकी शादी भगवान से नहीं हो जाए, मतलब जब तक तुम अपना कृष्ण चरण में, जब तक खुद को खुद नहीं दे देते हो ना, तब तक जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए कहते प्रभु, मेरी मन बुद्धि ही बेटी है, मैं चाहता हूँ अंतिम समय में ये मन को मैं तुम्हारी चरण में लगा दूँ। जब चरण में तुम्हारी लग जाएगी क्या होगा? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अंतिम समय में जैसे जैसे तुम याद करते हुए अपना प्राण त्याग करोगे, तुमको ठीक वैसे फल होगा। अगर अंतिम समय में हम भगवान को स्मरण करते करते त्याग दे तो क्या होगा? ठाकुर जी के चरण में स्थान मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी सामने खड़े हो जाओ, आपको दर्शन करते करते, आपका नाम लेते लेते, आपको चरण को हृदय में धारण करते हुए मैं अंतिम श्वास को मैं त्याग देना चाहता हूँ। और पितामह भीष्म साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े, और ठाकुर को दर्शन करते करते, नाम लेते लेते, उन्होंने अपना अंतिम श्वास को उन्होंने त्याग दिया। जितने देवता लोग देख रहे थे बोले हे भगवान। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोनि जत न कराए, जनमा जनमा मोनि जत जन्म जन्म तरह तक ऋषि लोग कोशिश करने पर भी ये मन ठाकुर का चरण में नहीं लगता है, लेकिन आज ठाकुर सामने दर्शन करते करते
भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, कितने भाग्य की बात है। इसलिए जितने सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की और पितामह भीष्म को जयकार देते हैं। बोले श्री पितामह भीष्म की, बोले श्री पितामह भीष्म की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक एक भजन सुन लो।
Yeah.
उनकी संतारी भक्त बंद की और प्रमानंदे जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण है एक दिन ही बोले देखो पांडवों एक दिन तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, ये द्वारका भी तुम्हारी है। अभी अर्जुन कृष्ण को लेकर के द्वारका गए, लेकिन 7 महीना हो गया अभी कृष्ण अर्जुन वापस नहीं आया। एक दिन युधिष्ठिर महाराज सारे अपशकुन देख रहे थे, हठात उन्होंने देखा अर्जुन को आते हुए, लेकिन अर्जुन का सारे चेहरा लटका हुआ था, चेहरा में कोई तेज नहीं। इतने में बोले अर्जुन क्या हो गया, बोले भगवान कृष्णा ये संसार छोड़ करके कृष्ण चले गए। ये बात सुनते ही मैया कुंती उसी समय ही शरीर का त्याग दी। बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर रह करके क्या लाभ है। देखो यहाँ पर कुंती मैया ये शिक्षा देती हैं ये बच्चों को चुप करवाना, इसलिए यहाँ पर मैया कुंती शिक्षा देती हैं। हाँ ध्यान देकर सुना, अगर ये जीवन में कृष्ण भजन नहीं हो तो ये जीवन रखना बेकार है। तभी ये जीवन को रहनी चाहिए रखनी चाहिए जब ये जीवन में भगवान की भक्ति हो। भक्ति नहीं हो तो ये जीवन रहना नहीं रहना ये बराबर है। कभी के पेड़ जिंदा नहीं रहता है, देखो पीपल पेड़ बरगद तो पेड़ हजार हजार जिंदा रहता है। अगर जिंदा रहना ही सबसे बड़ा काम है तो पेड़ भी जिंदा रहता है। खाना पीना अगर सबसे बड़ा हो, हाथी को देखो एक साथ में कितना खाता है। बच्चे जन्म देना अगर बड़ा हो, सुअर को देखो एक साथ में पंद्रह पंद्रह बीस बीस बच्चा जन्म दे देते हैं। कहते अगर केवल जीवन में रहो खाओ पियो और मर जाओ, भागवत कहते हैं ऐसे जीवन को जीवन नहीं कहते हैं। तभी ये जीवन को जीवन कहते हैं जब ये जीवन में भगवान की भजन हो। इसलिए मैया कुंती को देखो, अभी भागवत में कुंती मैया के नाम क्यों आती है, ये पंच पांडवों का नाम जगत में क्यों आता है, ध्रुव प्रह्लाद का नाम क्यों आता है, मीरा की नाम जगत में क्यों आती है, बोलो, क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया इसलिए नाम आती है। लेकिन जो भगवान की भजन नहीं किया, हमारे भी मैया की मैया मैया की मैया हुए, दुनिया में उनका कोई पूजा करता है, हमारे पिताजी की पिताजी के पिताजी ने हुए सारा दुनिया, उनको कोई जगत में नाम लेता है, कोई नाम नहीं लेता है। इसलिए जगत में उन्हीं का ही नाम है जो भगवान की भक्त बने, भगवान की भक्ति की। इसलिए मैया कुंती जब देखा कृष्ण ही नहीं, ये प्राण रख करके क्या लाभ, उन्हें प्राण त्याग दे दी। पांडव भी श्री युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राज्याभिषेक करके पांडव भी चले गए। अभी एक दिन युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे, सारे अपशकुन देख रहे थे, तब उन्होंने निकले कहाँ पर मेरे देश में अपशकुन हैं। उन्होंने भ्रमण करते करते एक आश्चर्य घटना देखा, उन्होंने क्या देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल का तीन प्यार नहीं वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक राजवेशधारी एक शूद्र एक प्यार को तोड़ने के लिए मार मार करके तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो जो बैल विष्ठा मूत्र को विसर्जन देते हुए बिलग बिलग करके रो रहा था। इतने में परीक्षित महाराज को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे देश में इतनी अनहोनी। उन्होंने तलवार निकाल कर झपट पड़ा, लेकिन वो था साक्षात कली। उसने देखा ये अर्जुन का वंशधर के एक विशेष गुण है, शरणागत व्यक्ति कभी मारते नहीं। जब उनमें शरणागत हो गया बोलो, बोले ये गैया कौन है, बोले ये गैया स्वयं पृथ्वी। बोले क्यों रो रही है, बोले कृष्ण चले गए, द्वापर युग चली गई, अभी कलयुग आएगा, अरे कलयुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, इसलिए ये पाप को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए ये रो रही हैं। बोले ये बैल कौन है, बोले ये धर्म, बोले इनकी तीन प्यार गया कहाँ, बोले सत्य त्रेतया द्वापर कली ये चार युग, धर्म का चार चरण होता है, तीन युग बीत गया धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, और ये धर्म केवल कलयुग में एक प्यार में खड़ा हुआ वो दान ऊपर में। बोले ये कौन, बोले साक्षात कलयुग। बोले ये क्या कर रहा है, बोले ये कलयुग में कोई धर्म कर्म करने रहने में नहीं दूंगा, सारे धर्म कर्म को मैं खत्म कर दूंगा। तब परीक्षित महाराज बोले देखो जब तक मैं हूँ ना तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, निकल जाओ मेरे देश से, मैं तो जान से तेरे को मैं खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाओ, अभी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर मैं आपका राज्य तो है, जहाँ जाता हूँ वहीं पर आपको मैं धनुष धारण करते हुए वहीं पर दिखते हो।
जब सबका स्थान दियो मेरे को भी स्थान दे दो। हाँ ध्यान देकर सुनो, आता है सब जी सब। ये कली को उन्होंने कहाँ पर स्थान दिया है? अगर ये कली युग में केवल चार नियम को पालन कर दो और भगवान का थोड़ा नाम जप कर लो, बात बड़ा पार है। जैसे तुमको कोई बड़ी बीमारी है, कोई अच्छे डॉक्टर को पास में गए, डॉक्टर क्या बोलेगा, देखो दवा तो बहुत बढ़िया दवा दे रहा है, अगर परहेज को साथ में ये दवा लोगे फिर ये दवा जल्दी जल्दी असर करेगा। बगैर परहेज को साथ में दवा लोगे तो जिंदगी भर दवा तो खाओगे लेकिन कोई असर नहीं करेगा। अभी ध्यान देकर सुनो, मन लगा करके सुनो, कलयुग में कौन सा चार नियम पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम करने से उद्धार होगा। पहला नंबर है दुतम। दुतम मतलब होता है जीवन में कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए, कभी अपना बच्चों को भी जुआ खेलने के लिए मना करना, ठीक है ना। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा देते हैं, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूँ लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गई। पहले तो राज्यों को खोया, भाइयों को खोया। अब महाभारत देखे कि नहीं, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरना देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा, 1 साल तक विराट का राज्य में हमको दासत्व करना पड़ा। इसका मतलब अगर कोई जुआ खेलता है इतने नीचे उसको आना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बच्चों को गांव में जुआ खेलने नहीं देना। अगर पता चले बनाए घर भर बेच बाज करके सब सर्वनाश कर देगा। कभी भी बच्चों को जुआ खेलने नहीं देना, ठीक है ना। खेलते ही कोई गांव में जुआ नहीं खेलने देना। अगर घर को बेचना चाहते तो जुआ खेलने के लिए देना। धर्म का पहला चरण है क्या है, ये सत्य है। जो जुआ खेलेगा ना वो कभी सच नहीं बोलेगा, झूठ को पर झूठ, झूठ को पर झूठ बोलेगा। दूसरा नंबर है पानम। इसको ध्यान देकर सुनो, पानम का मतलब होता है नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करना, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब को नहीं लेनी चाहिए। ये जो शराब है ना, शराब पीने के लिए बच्चों को नहीं देना, पतियों को भी मना करना शराब मत पिया करो। कब जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ है। कितना लाभ है, कितना लाभ है, सुनो इधर, कितना लाभ है, क्या क्या, देखो ध्यान देकर सुन लो। पहला लाभ, उसको घर में कभी चोरी नहीं होगी। बोलो बताओ चोरी का होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगा ना। जो शराब पीतेगा तो बेच बाज कर गहना पहना बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी किस चीज की होगी। दूसरी चीज, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा। मेरे पास में एक माता जी माला लेने के लिए, हरिनाम लेने के लिए आई, मैंने देखा उसका 2 बच्चे हैं और माता जी को देखा, बच्चे भी छोटे माता भी कम उम्र, लेकिन मैंने उसको देखा विधवा जैसे। मैंने कहा पति है कि नहीं, बोले पति नहीं। बोले क्यों, बोले मर गया। बोले कैसे, इतने कम उम्र में कैसे, बोले पिता था, जब उसको पकड़ा गया सब नाड़ी थाड़ी सब खत्म, पूरा लिवर विवर खत्म। बोले बचने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर हम चाहते हैं बूढ़ा तक जिंदगी भर रहे, कभी भी ये घर में शराब को घर में नहीं घुसानी, कभी भी बच्चों को पतियों को सावधान कर देना कि शराब नहीं पीना। लेकिन अभी यही से हो गया, अगर शादी विवाह में अगर शराब मांस नहीं खिलाए ना, बोले ये कौन सा शादी जो शराब नहीं पिलाए, नहीं। संत लोग एकदम मना करते हैं, हैं कि संत लोग एकदम मना करते हैं। इसलिए घर में कभी शराब नहीं घुसानी है। बच्चों को पतियों को सावधान करना। अगर तुम अपना जीवन को परिवार को सुखमय रखना चाहते हो, शराब कभी भी घर में नहीं घुसानी चाहिए। और पतियों को मना कर देना शराब मत किया करें। कभी ये दूसरा, बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बनते हैं। बोले मतलब क्या, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा कुत्ता आकर के मुंह में पेशाब कर जाएगा। इसलिए कभी भी ये नस्ली वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को मना करना, पतियों को मना करना। इसलिए ये सब गंदी चीज को नहीं जीवन में मत लिया करो, सबको सावधान करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए तीसरी जो चीज है स्त्रियम। हाँ ध्यान देकर सुनो, स्त्रियम मतलब होता है ये स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले भैया कौन सा स्त्री है,
बोले जो बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाकर घूमते हैं, शास्त्र मना करता है। संसार करो, शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक संसार करो। बगैर विवाह के जो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शास्त्र भी स्वीकार नहीं करता है। अभी जगत में ये डाइवोर्स कभी सुने? पुराना पुराना लोग पूछो, कभी डाइवोर्स नाम का कभी बात सुने? अभी भारत में 30-40% डाइवोर्स हो रहा है। बोले क्यों? जो लड़की शादी से पहले इतने लड़कों को साथ में घूम करके आएगी, जो लड़का इतने लड़की को साथ में घूम करके आएगी, उनको शादी कभी टिक सकती है जीवन में? क्यों नहीं टिकती है? कारण क्या है? यही कारण करते सब। इसलिए शास्त्र ये चीज को मना करता है। संसार करो, शादी सुधा करके पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थी को सुख पूर्वक बिताओ। यहाँ पर कली का तीसरा नंबर स्थान पवित्र, ये पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चीज है जीव हिंसा। बोले जीव हिंसा तुम पढ़ जाओ तो इन्हें पता क्यों बना? तो इसलिए कहते हैं जीव हिंसा। बोले जीव हिंसा क्या है? जीव हिंसा मतलब होता है मांस नहीं खानी चाहिए, लगता है कि जरूर कोई खाते नहीं होंगे मांस मछली। अभी धीरे धीरे अंडा भी आने लग गए, सफ़ेद आलू आने लग गए, ये अंडा भंडाव को नहीं खानी चाहिए हैं। देखो इसका नाम होता है मांस। मांस मतलब क्या? मांग मतलब होता है मुझको, सा मतलब हुआ है मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीट। मीट मतलब क्या है? मी ईट और ईट मी। मतलब तू अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो फिर काट कर खाएगा। क्योंकि जो पाप है ना कि कभी अपना बाप को नहीं छोड़ता है। जब किसी जानवर को मारते हैं वो जो हाँ भरता है, हाँ भरना समझते हो, जो कष्ट पाता है उसको कौन खाए, उसको कौन लेगा? भागवत में बताया पांच व्यक्ति को बांट कर लेना पड़ेगा। जो मांस खर्च करने के लिए पैसा देता है, जो काटता है, जो रसोई बनाती है, जो खाना खिलाती है और जो पैसा देता है, ये पांच व्यक्ति को उसको पाप भोगना पड़ेगा हैं। हम जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में कोई दुख को नहीं चाहते हैं। आप बताओ जीवन में आप सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं? बोलो, सुख चाहते हैं। हम कहते हैं ना सुख पाना तो दूसरों को सुख देने पर तो सुख मिलेगा, अगर दूसरों को हम दुख देते हैं फिर जीवन में क्या मिलेगा? दुख तो मिलेगा ना। इसलिए कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जो अंडा है, अभी धीरे धीरे लोगों को अंडा भी खाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने महाभारत कथा सुने होंगे, जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, एक दिन धृतराष्ट्र कृष्ण के पास में धृतराष्ट्र और गांधारी गई। बोले हमें ये 100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? बोले कारण है पूर्व जन्म में अपने 100 अंडा खाया था और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है। अंडा नहीं खाया, 100 बच्चों को तुमने खाया था, इसलिए इसी जीवन में तुमको 100 बच्चों को मृत्यु देखना पड़ा। इसलिए अंडा नहीं खानी चाहिए और प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। प्याज लहसुन भी अच्छी चीज़ नहीं। जैसे नवरात्रि रखते हो, नवरात्रि तब प्याज लहसुन कोई खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाती हो ना। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर खा कर नाराज कर दो? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा। हाँ, इसलिए इस गंदी चीज को त्याग दे करके शुद्ध रूप में अपना जीविका निर्वाह करते हुए भगवान की भजन करनी चाहिए। केवल जीवन में ये 4 नियम को पालन कर लो, ठाकुर का थोड़ी सी हरिनाम कर दो तो हमारी बेड़ा पार हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की है। इसलिए उन्होंने ये चार जगह पर कली को स्थान दे दिया, लेकिन देने पर भी कली तभी खुश नहीं हुआ। बोले मैं कहाँ कहाँ ढूंढूँ, मेरे को ऐसे एक जगह पर स्थान दो जहाँ पर सब मिल जाएगा। फिर उन्होंने ये सुवर्ण में पैसा में स्थान दिया, क्योंकि अक्सर करके ज़्यादा जो अधर्म है आप देखना, ज़्यादा जहाँ पैसा है ना, बताओ वैश्या घर में कौन जाएगा? और इतने पैसा देकर मांस को कौन खाएगा? इतने पैसा देकर शराब कौन पिएगा? जिस घर में ज़्यादा पैसा होता है कभी कभी सारे गंदे काम करने लग जाते हैं। इसलिए बोले लक्ष्मी की 2 वाहन हैं। लक्ष्मी की कितने वाहन हैं? कहते एक उल्लू है। आप देखना जो उल्लू लक्ष्मी वो अकेली उल्लू को ऊपर बैठती है। अगर हम घर में पैसा को बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी आओ,
अगर अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे फिर वो उल्लू को ऊपर बैठ कर आएगी, फिर हमें वो उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन लक्ष्मी नारायण की, अगर लक्ष्मी को हम नारायण की सेवा में बुला तो माँ लक्ष्मी आप नहीं होगा तो ठाकुर को हम सेवा कैसे करेंगे। अगर लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओगे ना फिर वो उल्लू पर बैठ करके नहीं वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। आप देखना गरुड़ को ऊपर नहीं लक्ष्मी को कभी अकेली नहीं देखोगे और नारायण को साथ में बैठे हुए देखोगे। इसका मतलब है अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ ना फिर गरुड़ आएगा। हैं गरुड़ कहाँ रहता है? बोले वैकुंठ में। ये गरुड़ वैकुंठ में रहते हैं, इसलिए गरुड़ जब आएगा लक्ष्मी नारायण आएंगे फिर हमारा घर को ये वैकुंठ बना देंगे। क्या बना देंगे? वैकुंठ। गोलोक वृंदावन बना देंगे। इसलिए लक्ष्मी को खूब बुलाओ, पैसा का अगर कुछ नहीं होता लेकिन इतना याद रखो लक्ष्मी नारायण की, अगर वो ठाकुर को सेवा में लगती हैं फिर घर में लक्ष्मी शांति सुख देती हैं। घर में जो कुछ बनाओ भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता दे करके खुद प्रसाद पाओ, बच्चों को भी पतियों को खिलाओ, सबको खिलाओ, भगवान की प्रसाद खाने से घर का सब दुख कष्ट दूर हो जाएगा। खुद देख लेना ठाकुर को जब चीज़ जो लोग ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन करते हैं ना उसकी घर में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। क्यों? लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लग रही है। इसलिए एक ही काम करना, जो कुछ भोजन बनाओ पहले ठाकुर जी को प्रसाद लगाओ तुलसी पत्ता दे करके। लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते हो, इसलिए प्याज लहसुन को हमें त्याग देने करके शुद्ध रूप में भोजन बनाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। और करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो पितामह ब्रह्मा जब जगत को सृष्टि किए तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने अपना शरीर से एक अंग से उन्होंने सतरूपा और एक अंग से उन्होंने मनु सतरूपा को उन्होंने सृष्टि की और उन्होंने मनु सतरूपा में उनसे ही ये जगत धीरे धीरे जगत सृष्टि हुआ। जब उन्हीं से जगत सृष्टि हुआ फिर ये सारा दुनिया भर गया। इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से हुए, इसलिए हमारा हमको क्या कहते हैं मानव कहते हैं, हमको क्या कहते हैं मानव। क्यों? हम मनु महाराज से सुए हुए हैं। उनकी तीन कन्या हुई और दो बेटे हुए और दो बेटे में एक उत्थानपाद एक प्रियव्रत और तीन जो बेटी हुई आकुति देहुति और प्रसूति, ये तीन बेटी हुई और इसी से ही हम लोग सारा दुनिया बन गया। लेकिन अभी का साइंस क्या कहता है माइक का है, अभी का साइंस कहता है हम लोग तो सब बंदर से हुए हैं। कहाँ से हुए हो? कहते बंदर से। हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम सब के सब ठाकुर जी से हुए हैं, भगवान से हुए हैं। इसलिए कहते ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें वो तुम्हें वम विद्याम द्रविण तुम्हें व तुम्हें वम सर्वम मम देव दल। इसलिए ठाकुर जी हमारे पिता माता भाई व दूसरी ठाकुर जी है। इसलिए उनसे जो उत्थानपाद प्रिय व्रत हुए, कभी ये उत्थानपाद जो राजा थे इनकी दो पत्नी हुई, तद एक सुनीति और एक सुरुचि, एक सुनीति और एक सुरुचि हुई। अभी कई से उनका बेटा ध्रुव और उत्तम हुए हमारे बीच में श्री हमारे एक प्रभु जी अनुपम प्रभु जी आपको उनकी कथा सुनाएंगे। आप लोग इनसे कथा सुनो और देखो जो कल है ना, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। कल को कौन जन्म लेगा? हमारे कान्हा जन्म लेने वाले। जब मैया जशोदा गर्भवती रही ना जितने ब्रज की कुपियाँ थी छः छः महीना पहले चौरासी गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी और बड़ी सुंदर अलंकार बना करके रखी। बोले घर में मैया जशोदा जो कान्हा को जन्म देगा हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल भी जितने माताएं हैं ना सबके सब लहंगा चुंदरी पहन करके आना है कि नहीं घर में? है घर में? अगर नहीं हो तो कोशिश करना कम से कम पीले रंग के कपड़े पहन के जाना। कौन सा रंग के? और ऐसे वैसे साधारण कपड़ा नहीं पहनना, जो कपड़े पहन करके शादी में जाते हो ना, अभी पटेला में रखा हुआ है ना अलमारी कुछ खराब हो रहा है उसको निकालना शादी का समय का, और बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी जन्म हो रहे ना
साधारण में शादी में कैसे जाते हो वैसे कपड़ा पहनकर थोड़ी जाती हो, चमक धमक पहन कर जाते हो। इसलिए कल एकदम चमक धमक एकदम बढ़िया कपड़े पहन करके पीले पीले रंग के, अगर पीला भी नहीं हो अगर दूसरे कलर भी हो बढ़िया कपड़ा है, जैसे गोपियाँ सज धज करके भगवान को बधाई देने के लिए जाए थे। इसलिए कल बड़े जोर तोर से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। बड़े धूमधाम से कल हम लोग यहाँ भगवान के नंद महोत्सव बनाएंगे। जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हो ना, आप उनके लिए कुछ उपहार लेकर जाते हो, लेकिन कल भी आप लोग कोशिश करना जैसे टफी हो खिलौना हो। ये कथा हम सब लोग का है, कथा हम सब लोग कथा कर रहे हो हैं। इसलिए आप लोग अपना घर से बिस्कुट जैसे क्या लाते हो, क्या था वो बतासा, सब कुछ लेकर के आना। कल यहाँ पर खूब लुटाएंगे और बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म महोत्सव करेंगे। और थोड़ा जल्दी आया करें, जब मैं आ जाता हूँ ना देखता हूँ यहाँ कोई है नहीं। नियम होता है जो व्यास आने से पहले कितने श्रोता लोगों को यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए कल एकदम टाइम में आ जाना। कितने बजे? 5 बजे। कितने बजे आओगे? हाँ मैं देखूँगा कल कौन 5 बजे आए। ठीक है, ओम ज्ञान किमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधरति नामने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमान भक्ति वेदांश कृपासिन्धुरेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि श्री गौर भक्तवृंद। सभी हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम परमाराध्यम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टत्रशत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करके उनकी आहुति की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टत्रशत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करके उनकी आहुति की कृपा की याचना करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा समस्त वैष्णववृंद उपस्थित समस्त पूजनीय वैष्णव भक्तवृंद सभी माताएं सभी के चरण कमल वंदना करता हूँ। श्री श्री गुरुदेव जी के आदेश से श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में वर्णित श्री ध्रुव चरित्र का जो वर्ण थोड़ा श्रवण कराने के श्री गुरुदेव जी आदेश है। यह भागवतम में चतुर्थ स्कंद में श्री ध्रुव महाराज जी के उपाख्यान श्री शुकदेव गोस्वामी पाद जी वर्णन किए हुए हैं। यह जो ध्रुव महाराज जी के प्रसंग है आज भी हम देखते हैं। ध्रुव तारा बोल के हम सब लोग जानते हैं, आज भी वही ध्रुव तारा हमारे सम्मुख विराजमान है। तो अभी गुरु जी बोले थे कि उत्तानपाद राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक के नाम है सुनीति और एक के नाम है सुरुचि। सुनीति अर्थात जो सुमर्यादा संपन्न है, जो नीति का अर्थात मर्यादा, जो शास्त्र के आधार पर जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को परिचालित करता है उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि अर्थात अपने मन के हिसाब से जो चलता है, अपने रुचि जो अपने इंद्रिय मन के जो रुचि में चलता है उसको कहते हैं सुरुचि। इसी प्रकार राजा उत्तानपाद के जो पत्नियाँ थे, दो पत्नियाँ थे, सुनीति से कौन उत्पन्न हुए? श्री ध्रुव महाराज। और सुरुचि से उत्पन्न हुए श्री उत्तम। ध्रुव अर्थात जो निश्चित है, ध्रुव अर्थात जो सत्य संकल्प है,
ध्रुव अर्थात जो भगवान में निष्ठ हैं और उत्तम माने जिनके अंदर तमोगुण हैं। इस प्रकार एक समय राजा उत्तमपाद अपने सिंहासन में विराजमान थे, उनके गोद में सुरुज के पुत्र उत्तम बैठे हुए थे। यह देखकर दूर से बालक ध्रुव उसके भी मन में आया कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठूंगा। तो भाग कर जाकर जब पिताजी के गोद में चढ़ने के लिए उद्यत हुए तब माता सुरुचि ने जो भी माता सुरुचि ने उनके हाथ पकड़ लिया, बोला अरे दुष्ट बालक तुझे पता नहीं तू कैसी दुष्टता करने जा रहा है। तो बालक ध्रुव है उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि छोटा बालक है, 5 साल बालक, उसको क्या पता, वो तो नन्ना सा बालक अवध है। उसने कहा क्यों क्या हो गया ना, ये जो तू बैठने जा रहा है तूने इतना पुण्य भी नहीं किया कि मेरे कोख से तू जन्म नहीं हुआ, इसीलिए तू ये जो सिंहासन बैठने के लिए योग्य तब बनेगा जब तू मेरे कोख में जन्म होगा। तो यह देखकर यह सुनकर ध्रुव महाराज जी छोटे बालक के यह अपमान उनको बहुत लगा, बहुत दुखी हो गए और ये दुखी होकर अपने पिता को और देख रहे हैं, चाहे सोच रहे हैं कि पिताजी कुछ बोले, परंतु जो उत्तानपाद थे वो सुरुचि के प्रति अत्यंत आसक्त थे, वो सुनीति को कभी पूछते नहीं थे परंतु सुरुचि के बस में ही होते, इसलिए सुरुचि के भय से उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। और पिताजी का इस प्रकार देखकर ध्रुव क्या अत्यंत दुखी हो गए। और सुनीति ने क्या कहा, सुरुचि ने क्या कहा कि अगर तेरे को इतनी इच्छा है कि पिताजी के गोद में बैठने के लिए, इस सिंहासन में बैठने के लिए, जा भगवान के भजन कर, भगवान के साधना कर, और क्या होगा न तब जब ये तुम्हारा शरीर शांत होगा तब मेरे कोख में तुम जन्म होकर आओगे, तभी क्या करोगे ना इसी आसन में इसी सिंहासन में बैठोगे। तो बालक ध्रुव ये इसको इतना लगा, वो रो रो के अपने माता के सुनीति के पास गई और माता सुनीति ने अपने बालक की ऐसी अवस्था देखकर, वो भी माता है और दूसरे जो दासियां हैं उनसे सुनी कि क्या हुआ बच्चे क्यों रो रहा है, तो सारे दासियों ने कहा कि इस प्रकार सुरुचि ने इस बच्चे को हाथ पकड़ कर इसने उसने दूर भगा दिया और बोला कि इस प्रकार बच्चन बोले। तो माता भी बहुत दुखी हुई और माता दुखी होकर बालकों को कहा कि ध्रुव तू अभागा है क्योंकि मेरे जैसे दुर्भागिनी के कोख में तू पैदा हुआ, परंतु ध्रुव माता ने जो कहा वचन का उनके बातों में माता के प्रति तू किसी प्रकार की मन में रोष मत रख, भले ही भी माता ने क्रोधपूर्वक कहा पर वचन तो उन्होंने सत्य कहा कि जाओ भगवान की उपासना करो, अरे इनके सामने क्या रोना, भगवान क्या है ना सर्वसमर्थ है, जो हरि है वो क्या है ना सारे लोगों को भरण पोषण करते हैं, सारे देवा देवी उनके अधीन हैं और उनके भजन करोगे तो इनसे भी कहीं श्रेष्ठ गुणा तेरे को राज्य प्राप्त होगा, इसलिए क्या कर बालक तो हृदय से उनके प्रति किसी प्रकार की माता के ऊपर किसी प्रकार की भी द्वेष हिंसा ईर्ष्यादि ना रख, क्योंकि अगर तू हृदय में ऐसा ईर्ष्या द्वेष रखेगा तब तुझे भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जिस हृदय में इस प्रकार के परहिंसा निंदा चर्चा द्वेष और इस प्रकार के रहता है वहाँ पर भगवान कभी भी विराजमान नहीं होते। इस प्रकार बोलते हैं, देखो सुखदेव गोस्वामी पाद जी यहाँ पर ये उदाहरण देते हैं कि सारे माताओं को इसी प्रकार के आदर्श होना चाहिए। माता जो होते हैं जो संतान के पहले गुरु माता ही होती है, कि माता से ही जो संतान सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करता है। इसी प्रकार माता ने क्या किया, और कोई दूसरा माता हम आपके जैसे कोई माता होते तो क्या करते, तुरंत ही सूरज के प्रति भड़क जाते और बोलते कि तू प्रतिशोध लेगा, ये तेरी याद रख, तू बड़ा होकर एक दिन माता से क्या करेगा न प्रतिशोध लेगा, आज अनेक प्रकार वचन बोलते। परंतु सुनीति जो है, सुनीति कैसी है, भगवत भक्त है, सुनीति कैसी है शास्त्र के आधार पर उनका जीवन है और शास्त्र हमें किसी के प्रति भी हिंसा द्वेष आदि कराना सिखाता नहीं, इसीलिए माता ने कहा का बोले ठीक है भले ही भी माता ने ऐसी वचन तो बोली परंतु बात तो सत्य कहा, अरे वो सत्य संकल्प हरि के भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाते, देख तेरे जो परदादा थे ब्रह्मा जी ने उन्हें हरि को उपासना करके उन्हें हरि के भजन करके उन्होंने भगवान की कृपा से वो ब्रह्म पद प्राप्त हुए, और तेरे दादा जो मनु हैं उन्होंने भी इस श्री हरि के उपासना के माध्यम से उनको भी क्या हुआ न ये लोक ऐश्वर्य आदि प्राप्त हुआ, इसीलिए उनके उपासना करने पर और कुछ भी अप्राप्य नहीं रह सकता। इस प्रकार
माताओं के वचन सुनकर बालक ध्रुव क्या कहे ना, बोले अच्छा ठीक है माता, मैं अभी क्या करूं। माता ने कहा जाओ तुम वन जाओ और वहां जाकर क्या करो ना, मैंने सुना जो मुनि ऋषि लोग वन जाकर श्री हरि की उपासना करते हैं, इसलिए श्री हरि की उपासना का स्थान कहाँ है, वन जाओ एकांत रूप में क्या करो भजन करो। तब माता के चरण स्पर्श करते हुए ध्रुव महाराज आज वन के लिए निकल पड़े श्री हरि का एकांतिक उपासना करना। उसी समय श्री नारद जी आके पहुँचे। नारद जी मन मन में सोच रहे हैं देखो इतना छोटा बालक है परंतु क्षत्रिय का स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा भी अपमान क्षत्रियों का सहन नहीं होता और किसी भी हालत में उस अपमान का बदला लेना है क्षत्रिय का क्या होता है उद्देश्य हो जाता है। और देखो इतना छोटा सा बालक ना उसी को कुछ पता है संसारिक विषय में, परंतु वो क्या कर रहा है ना, इतने उसको हृदय में ठेस पहुँचा, आज इतने कष्ट साधना करने जा रहा है। तो नारद जी पहुँचे, नारद जी को ध्रुव देखे तो नारद जी ने कहा बालक कहाँ जा रहे हो। ना मैं जा रहा हूँ उस हरि के उपासना करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने इस प्रकार मेरे जो भी माता ने इस प्रकार मेरे पिताजी के गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसे उपासना करना चाह रहा हूँ कि ये पिताजी के और ऐसे आज तक ऐसा कोई भी जो ऐश्वर्य जिसको प्राप्त नहीं हुआ होगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो नारद जी कहने लगे क्या रे ये कैसी बात है, तू तब यवत बालक है, अभी छोटा 5 साल उम्र है तेरा, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, 5 साल क्या होता है ना, खेल कूद की उम्र होता है और इतने छोटे उम्र में क्या मान क्या अपमान इसमें तो। अच्छा ठीक है, अगर मान अपमान भी है ये के ये मान अपमान अगर तुम भी समझते हो, ये मान अपमान क्या है ना, ये सिर्फ शोक और मोहजनित होता है, इसीलिए बालक क्या करो और भगवान श्री हरि के जो व्यवस्था में जिस किसी प्रकार की व्यवस्था है उसी में ही संतुष्ट रहो, इसलिए तुम क्या करो। अच्छा अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ऐसे स्वीकार नहीं किया तो मैं जाके तुम्हारे पिताजी को बोल देता हूँ कि तुम्हें क्या करेंगे गोद में बैठाएंगे। तो ये सुनकर वचन सुनकर ध्रुव ने कहा हे नारद आप जगत के मंगलकारी कल्याणकारी हैं, परंतु आपके जो वचन मेरे विमाता के वचन से मेरे हृदय में इतने ठेस पहुँचा है और क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण आपके जो वचन है कल्याणकारी वचन है ये मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहा, इसके लिए कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा बच्चों। और मैंने सुना है जिन जिन को भी भगवत की कृपा प्राप्त होता है आपके अनुग्रह से प्राप्त होता है, इसलिए आप क्या करो आप मेरा मार्गदर्शन कराओ किस प्रकार मैं उन श्री हरि को प्राप्त कर सकूं और उनसे वर प्राप्त कर सकूं, और मेरे को आप मना मत करो, मेरे को आप मेरा जो संकल्प को उसको भटकाओ मत। तब नारद जी ने देखा यारे ये तो सत्य संकल्प है, इसके अंदर दृढ़ निश्चयता है, क्योंकि ध्रुव अर्थात ये जो प्रसंग भागवत में आया ये समस्त भक्त समाज के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हमें दृढ़ होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, इसलिए इसको कहा जाता है निश्चयात्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन बहु शाखाई अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायन, इसलिए जिसकी बुद्धि निश्चित है जिसकी बुद्धि दृढ़ है वही केवल मात्र सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार नारद जी बोले, नारद जी ने देखा कि हाँ इसके हृदय में सच्ची में भगवत प्राप्ति के दृढ़ संकल्प है, इसलिए ये अधिकारी है। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, नारद जी ने कहा देखो मधुबन में श्री मथुरा में श्री वृंदावन धाम में यमुना के किनारे में अत्यंत पवित्र मनोरम स्थान है जहाँ पर श्री हरि की नित्य निवास है और उस स्थान का नाम है मधुबन, वहाँ तुम जाओ। और यमुना जी कैसे हैं कि गंगा के तट पर वास करने वाला व्यक्ति को क्या होता है ना हृदय में शांति मिलता है सारे पापों के क्षय हो जाते हैं, परंतु यमुना के तट निकट में वास करने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होता है, क्योंकि यमुना जी कैसे हैं, यमुना जी साक्षात कृष्ण प्रेम रूपी कृष्ण जो प्रेम है ये तरल रूप में यमुना जी होकर बह रहे हैं, और कृष्ण के जो चौथी जो पाटरानी है वो भी एक ही स्वरूप में यमुना जी हैं जिनके नाम है कालिंदी, इसीलिए यमुना के तट पर जाओ और त्रिसंध्या स्नान करो, और त्रिसंध्या स्नान करके मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसके उस मंत्र के माध्यम से तुम क्या करो ना श्रीहरि की उपासना करो और सुंदर श्रीहरि के विग्रह बनाकर वन के जो सारे संसाधन है फूल फल कंदमूल आदि के द्वारा माध्यम से एकांतिक रूप में श्रीहरि की उपासना करो। और मंत्र क्या दिया ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विद्याधर अक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में
श्री नारद जी ने मंत्र दिया। बोले देखो ये नारद जी अभी गुरुदेव श्री गुरुदेव अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे जिन जिन भक्तों को भी भगवान के अनुग्रह प्राप्त हुआ श्री नारद जी के कृपा से अर्थात भक्त के कृपा से। हम भागवत में सुनते हैं दो श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद और ध्रुव इनको भगवत प्राप्ति हुआ श्री नारद जी के कृपा से। और दो श्रेष्ठ ग्रंथ एक है श्री रामायण और एक है श्रीमद् भागवतम ये दो भी श्री नारद जी के अनुग्रह से ही क्या हुआ ना हमारे सम्मुख प्रकाशित हुए। व्यासदेव जी जब बहुत उदास थे सारे 18 पुराण रचना कर व्यासदेव जी के हृदय में प्रसन्नता नहीं होता था तब उन्होंने अपने गुरु नारद जी को जब उन्होंने ध्यान किया तब नारद जी अपने सम्मुख प्रकट होते हुए उन्होंने अपना इस प्रकार का चित्त के अप्रसन्नता के कारण पूछे तब नारद जी ने कहा कि तुमने इसी प्रकार के 18 पुराण में कहीं तो ज्ञान कहीं तो देवा देवी का महात्म्य कहीं तो शिव जी को श्रेष्ठ कहीं तो दुर्गा को श्रेष्ठ इस प्रकार विविधता तुमने वर्णन किया। जो परम पुरुष भगवान जो साक्षात ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और गोपियां अपने सखा नित्य सखा सखियों के साथ नंद बाबा यशोदा माताओं के साथ कृष्ण सुंदर मधुर बंसी बजाते हैं गोचारण करते हैं गिरिया धारण करते हैं इतनी सुंदर सुंदर लीला से तुमने कहीं वर्णन नहीं किया और उस लीला पूर्णता से तुम्हारे हृदय को भी पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही है इसलिए जब तक तुम इनको सब वर्णन नहीं करोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। इस आदेश से क्या किए ना उनको बोले कि क्या करो ना ध्यान में श्री हरि के हरि को चिंतन करो उनके समस्त लीलाओं को दर्शन करके उसको वर्णन करो। इस प्रकार श्री व्यासदेव जी ने क्या किया ना व्यासदेव जी ने जो ध्यान में भगवान के समस्त लीलाओं का दर्शन किए और सुंदर सुंदर लीलाएं श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या है ना श्री नारद जी के कृपा से प्रकटित हुए और जो रामायण है यह भी नारद जी के कृपा से प्रकटित है। किस प्रकार वाल्मीकि जी को नारद जी ने निर्देश दिया और नारद जी के कृपा से वाल्मीकि ने रामायण को प्रकटित किया। इस प्रकार ये नारद जी देखो जब जब श्री हमारे श्री स्वामी महाराज जी इस श्लोक में जो ये प्रसंग आता है वहाँ पर बड़े सुंदर टीका बोल रहे हैं कि क्या है ना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यहाँ पर ध्रुव और प्रहलाद खुद चलकर जाकर नारद जी को खोजने नारद जी क्या किए ना जब इनका दृढ़ संकल्प हुआ तब भगवान ने कृपा करके क्या किया ना अपने भक्तों को उनके पास भेज दिया और बिना भक्त के निर्देश से बिना भक्त के अनुगत्य से हम भजन राज्य में और भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यह तो नारद जी का इस प्रकार महात्म्य है। ध्रुव महाराज जी नारद जी के इस प्रकार वचन को सुनकर वो वन में गए और जाकर वन में जाकर उन्होंने अत्यंत निष्ठापूर्वक नारद जी ने जिस जिस प्रकार के उनको निर्देश दिया था उस निर्देश के अनुसार उन्होंने जाकर भजन किया। प्रथम महीने में उन्होंने फल मूल आदि वन में जितने सारे फल मूल मिलते थे उसको ग्रहण करके त्रिसंध्या तीन बार दिन में जमुना जी में स्नान करके और अत्यंत मनोयोग पूर्वक निष्ठा के साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त उस नाम को वो कीर्तन करते और इसी प्रकार जो कम समय भगवत प्राप्त हुआ श्री ध्रुव महाराज जी को सिर्फ 6 महीने में सिर्फ 6 महीने के साधन में ध्रुव महाराज जी को भगवत प्राप्त हुए। इतने अत्यंत कठोर उन्होंने साधना की। इस प्रकार पहले महीने में उन्होंने फल मूल ग्रहण किया दूसरे महीने में केवल मात्र सूखा पत्ते और घास उस आदि ग्रहण करके वो भगवान का भजन करते तीसरे महीने उसको भी छोड़ दिया केवल मात्र जल पान करके चौथे महीने में 7-7 दिन अंतर में वायु पीकर भजन करते पाँचवें महीने में 1-1 महीने में अंतर में वायु पीकर भजन करते और छठा महीना में उन्होंने सारा कुछ भजन ही वायु त्याग कर दिया। तो इस प्रकार जब उनका श्वास बंद हो गया सारे जो देवतागण हैं उनके भी श्वास बंद हो गए तो सब लोग जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु इस प्रकार ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने आपके भजन कर रहा है और इतना कठोर तपस्या श्वास ही बंद हो गए तो आप क्या करो उसके ऊपर अनुग्रह करो। तब भगवान जाकर ध्रुव क्या किए थे ना आंख बंद करके भगवान नारद जी ने उनको कहा था कि भगवान के कैसे सुंदर स्वरूप हैं भगवान के कमल लोचन हैं भगवान के चतुर्भुज हैं एक हाथ में भगवान के शंख एक हाथ में चक्र एक हाथ में गदा एक हाथ में पद्म है और उनके जो अधर हैं बड़े सुंदर बिंबाधर हैं
और उनके ललाट में सुंदर तिलक शोभायमान है। और इस प्रकार सुंदर वर्णन भगवान की किए थे, उसी अनुरूप ध्रुव क्या करते ना अपने गुरु के प्रदत्त जो वर्णन उसी के अनुरूप हो उसी नाम को जप करते और उसी रूप को स्मरण करते। भगवान आकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए, परंतु ध्रुव क्या करते ना अंदर में उसी जो भगवान के स्वरूप को स्वरूप के ध्यान में इतने मग्न हो गए, उनको पता ही नहीं बाहर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तब भगवान ने उनको बोला, ध्रुव आँख खोलो। जब उन्होंने आँख खोले तब देखते हैं, अरे मैं अंदर में इतने जितने जो सुंदर रूप जो श्रीहरि के सुंदर रूप में ध्यान में ध्यान करता था वो तो श्रीहरि साक्षात मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। वो बड़े खुश हो गए, परंतु 5 साल का बालक अभी उनके बुद्धि इतना में सोच चाह रहे हैं कि मैं भगवान के कुछ स्तुति करूँ, उनके नाम गुण महिमा कुछ कीर्तन करूँ, परंतु उनमें तो इतनी ज्ञान नहीं है। तब इनका यह भावना देखकर भगवान ने क्या किया, अपने शंख को उनके कपोल प्रदेश में स्पर्श करा दिया। और जब स्पर्श करा दिया तब ध्रुव जी ने भगवान के बड़े सुंदर स्तुति किए। और जब स्तुति करने के बाद वो भूल ही गए मैं क्यों आया था यहाँ पर। उन्होंने आए थे क्यों आए थे, तो थे स्वर्ग जो लोग अपने पिताजी से भी और अधिक ऐश्वर्य के कामना से, परंतु भगवान के अनुग्रह ऐसे हैं उनको देखने के बाद बोलते हैं, प्रभु मैं कितना दुर्भागा हूँ, मैं कितना अवध मूर्ख हूँ। देखो जहाँ पर साक्षात हीरा जहाँ पर साक्षात रत्न स्वरूप विराजमान है वहाँ पर मैं तुच्छ काशमणि को चाह रहा हूँ, इतना मैं तुच्छ चाह रहा। आप श्रीहरि अगर प्रसन्न होते तो आपके जितना आप मिल गए तो जगत में जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट जो मिल गए तो सब जिसको भगवान मिले उसका उसके लिए और कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार देखकर उनके हृदय से सारे कामनाएं दूर हो गए। परंतु भगवान ने कहा, ध्रुव क्योंकि तुम मेरे भजन किए हो, अच्छा मेरे सानिध्य से मेरे दर्शन से मेरे भजन से तुम्हारे हृदय तो शुद्ध हो चुके हैं, परंतु फिर भी तुमने कुछ कामना करके मेरे को भजन किया, इसीलिए आगे जाकर भक्त लोग निरुत्साहित ना हो जाए कि अरे भगवान के भजन से तो कुछ भी मिलता नहीं, इसीलिए क्या करता हूँ आगे जाकर भक्त लोग आगे जो भक्त लोग आएंगे निरुत्साहित ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ तुम्हें 36,000 साल तुम्हें क्या करता हूँ ना इस राज्य को भोगने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और उसके उपरांत तुम्हारा जब ये शरीर जब शांत होगा, जब तुम इसी लोग को त्याग करोगे, तब ध्रुव लोग जो कि प्रलय काल में भी उसे ध्रुव लोग नष्ट नहीं होता। अब आज हम जो ध्रुव तारा का स्वरूप देख रहे हैं वो ध्रुव लोग ही हैं, वैकुंठ के समान ऐश्वर्य उसमें है, वहाँ तुम प्राप्त हो गए। देखो यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा है कि दूसरे दूसरे देवादेवियों का भजन और साक्षात भगवान के भजन में क्या अंतर है। जिस प्रकार एक सहज सा उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे नवंबर दिसंबर महीना का इतने सर्दी है और उसमें एक बच्चा क्या है उसके नाक में से पानी गिर रहा है, वो 50 रुपये लेकर जाएगा आइसक्रीम वाला से, कुल्फी वाला से बोलेगा तो कुल्फी वाला क्या करेगा उसको आइसक्रीम दे देगा और खाकर उल्टा बीमार पड़ जाएगा। अगर पिताजी होंगे उसके पिताजी होंगे और बोले पिताजी आइसक्रीम आए आइसक्रीम दिला दो, पिताजी देंगे बोले कल तेरे को दवाई दिला के लाया और ये खाएगा तो ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, तेरे को कल सुई लगेंगे, पिताजी देंगे नहीं। इस प्रकार जो देवादेवी होते हैं तो देवादेवी का हम जो भजन करते हैं वो क्या करते हैं हमारे भजन के अनुसार हमारे जो साधन के अनुसार फल देके छोड़ देते हैं, परंतु भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, हमारे पिता स्वरूप हैं, हमारे कल्याण कैसे वो जानते हैं, इसलिए क्या करे ना भगवान ने ध्रुव के हृदय से सारा कुछ मिटाकर इसलिए बोलते हैं कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार जी तीव्रेण भक्ति देवेन जजंते पुरुष परम, कि तुम्हारे कामना हो कोई कामना नहीं हो किसी भी प्रकार के क्या करो ना केवल मात्र भगवान वासुदेव भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु नारायण कृष्ण का ही भजन करो, अन्य देवादेवी का भजन नहीं। अन्य देवादेवी कैसे होते हैं, अभी श्री गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि जिस प्रकार एक पेड़ कैसा होता है ना, जिस प्रकार शाखा में पानी देने पर सारे पेड़ के पत्ते फूल और टहनिया आदि में क्या होता है ना पानी अपने आप से चले जाते हैं, इस प्रकार क्या करते हैं ना जह सर्वात्मा जह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत करते हैं, कि जो सब प्रकार से कृष्ण के शरण लेता है जो भगवान के शरण जाता है उसके सारा देवादेवी। इस प्रकार ध्रुव महाराज जी वापस वृंदावन बिहारी लाल की जय, ध्रुव महाराज की। आप लोगों ने खाली बजा बच्चा ने कोशिश किया है ध्रुव महाराज जी कथा सुनाने के लिए। जब ध्रुव महाराज जी राजत्व तो कर रहे थे, देखो भगवान की भक्ति में कितने शक्ति है, जब ध्रुव महाराज ने
36,000 साल तक राजत्व किए। जब राजत्व खत्म हो गया इतने में वैकुंठ से एक रथ आया। माता ध्यान देकर सुना, वैकुंठ से रथ आया, बोले रथ में बैठो और चलो ठाकुर जी के पास में। अभी स्वयं काल आ गया, बोले तुम कौन हो? बोले मैं काल हूँ। बोले यहाँ बैठ जाओ। देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं सारा दुनिया काल, अभी कोरोना आ गई थी ना, कोरोना आई थी ना, सारा दुनिया डर कर घर में बैठी थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, निकल नहीं निकल रहे थे ना। लेकिन देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं दुनिया काल को डरता है, लेकिन जो काल है ना वो भक्त को डरता है। बोले तुम कौन? बोले मैं काल हूँ। जब तक मेरे को कोई स्पर्श नहीं करेगा कोई नहीं जा सकते संसार से, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति करते हैं ना वो मरते नहीं। देखो कितने शक्ति बली यहाँ पर बैठी जाओ। जो बैठ गए ध्रुव महाराज जी, उसका सर पर पैर रख लिया, रख करके सीढ़ी बना करके ये शरीर भी उनको छोड़ना नहीं पड़ा। इसी शरीर समय ये शरीर को ले करके उन्होंने जो वैकुंठ जा रहे थे, इतने में मैया की याद आ गई। बोले मेरे मैया कहाँ, मेरे मैया कहाँ? तब विष्णु दूत ने पूछे मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, हम माताओं के लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले मैया की कृपा से तो आज ठाकुर जी मिले। मैया तो मेरे को बोली थी ये पिताजी कब तक रहेंगे, इसका गोद में कब तक रहोगे, ये पिता भी मरने वाले, दुनिया भी ध्वंस होने वाले। ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो जिसकी गोद में एक बार बैठ जाओगे ना कभी उतरोगे नहीं। ये पिता माता तुम्हें कितना प्यार और कितना स्नेह देंगे, इससे करोड़ गुण स्नेह भगवान नारायण देंगे। इसलिए मैया ने मेरे को बताया था भगवान की भजन करने के लिए, इसलिए आज मेरे को ठाकुर जी मिले। मैं मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊँगा, मैं मैया को लेकर के जाऊँगा। देखो विष्णु जी तुमने क्या बोले, बोले जो मैया ने बच्चे को भजन की बात बताते हैं, भजन की मार्ग में लगाते हैं, तो मैया को उधार होने का कोई बाकी रह गई? देखो ऊपर में देखो जो रथ जा रहा है ना, वो रथ में तेरी मैया पहले जा रही है वैकुंठ, तू पीछे पीछे जा रहे हो, तू पहले नहीं जा रहे हो, कौन जा रही है? मैया जा रही है वैकुंठ। इसका मतलब है अगर माताएं अपना बच्चों को भक्ति की बात बताएंगे, भजन की बात बताएंगे ना, वैकुंठ कौन जाएगा पहले? कौन वैकुंठ जाएगा बोलो? माँ जाएगी, उसको बाद में बेटा जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय राम और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा के पास में आए, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया जा रहे हैं वनवास, उनको सेवा करने के लिए मैं जाऊँ। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले बेटा तेरे जैसे बेटे को मैंने कोक में धारण करके अपना जीवन को धन्य मान रही हूँ। कहते पुत्रवती, हिंदी समझती हो? सुनो क्या कहते हैं, बोले पुत्रवती युवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासूसुत होई। समझ में आ रही कि नहीं? हिंदी समझते हो? कौन कौन समझते हिंदी? देखो ये प्यार को सुमित्रा कहती है, कहते उसी माँ को बेटा जन्म देना सार्थकता है। अगर तुम्हारी बेटा भगवान की भजन किया तो, दूसरे लाइन में कहती हैं अगर बेटे को तुमने भजन में नहीं लगा पाया, कहते माँ को बांझ रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ये कौन कह रही है? सुमित्रा कह रही है, बेटे को तब भी जन्म दो अगर बेटे को अगर तुम भजन में लगा पाओगे तो। अगर बेटे को तुमने भजन में नहीं लगा पाया तो सुमित्रा कहती हैं बच्चों को जन्म मत दिया करो, बच्चों को क्या नहीं दोगे? जन्म मत दो। ये कौन कह रही है? सुमित्रा कह रही है। देखो ध्यान देकर सुना, बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, रत्न सिंहा सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, उनकी बड़ी सेवा हो रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठ बैठ कर रो रहा था, बेहोश हो रहा था। तब ऋषि ने कहा भैया तुमने इतने पुण्य करके कर्म करके स्वर्ग में आ गए हो, स्वर्ग में फिर क्यों रो रहे हो? ध्यान देकर सुनो माता है, बड़े काम की बात है। वो क्या कहता है, बोले मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत दान पुण्य किया, इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया। मैंने जो पैसा छोड़ करके आया बच्चे उसमें दारू पी रहे हैं, बच्चे मांस खा रहे हैं, बच्चे जुआ खेल रहे हैं। चूँकि पैसा किसने कमाया? मैंने पैसा कमाया था, मेरी पैसा को बच्चे गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, उसका जो पाप है ना
मैं स्वर्ग में आने पर भी ये पाप मेरे को छोड़ नहीं रहा। ये चीज जो ध्यान रख रखो, अगर बच्चे को जन्म दिया एक गंजड़ी एक भंजड़ी शराबी होकर घूम रही, इससे बच्चे को थोड़ी बच्चे कहते हैं। माँ कुंती की पांच बेटे थे, पंच पांडव, देखो सारा दुनिया में पूजा हो रही है। आप बताओ गांधारी के कितने बेटे थे, बोलो गांधारी के कितने बेटे थे? 100 बेटे थे। उनका कोई पूजा हो रही है? गांधारी को कोई सम्मान देते हैं? इसलिए अगर तुम्हारे बच्चे भी हो गए, लेकिन अगर बच्चे को तुमने भजन नहीं लगा पाई, अगर बच्चे गलत कर्म में गए, शराब पिए, दारू पिए, मांस खाए, उसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा। बच्चे जन्म देने से नहीं हो जाएगा। ये कौन शिक्षा दे रहे हैं? ये ध्रुव महाराज की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उसको माँ पहले वैकुंठ गई, इसलिए क्या शिक्षा देती है? बच्चे तभी जन्म दो, बच्चे को अगर भजन में लगाओ। देखो ध्यान देकर सुनो, पहला गुरु कौन है? माता। दूसरे गुरु पिता। पहले गुरु कौन है? माता और पिता पहला गुरु। बच्चा सबसे पहले किससे सीखेगा? माँ से सीखेगा। अगर माँ अगर भजन करती है, माला जब करती है, तिलक लगाती है, भजन करती है, तब तो बच्चा भजन करेगा। अगर माँ दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठी हुई, दिन भर टीवी खोलकर बैठी हुई, भगवान की भजन नहीं करता है, बताओ वो बच्चा सीखेगा कहाँ से? बच्चा कहाँ से सीखेगा? पहला गुरु कौन है? पिता माता। इसलिए सबसे पहले क्या करो? हरि नाम करो। ये जो कथा करवा रहे हैं ना कालू प्रभु जी, वहाँ पर खड़े हुए हैं इनका जो भाई लोग, आप देखना पीछे देखो, इधर आ जाओ इधर। इसलिए देखो ये जो कथा करवा रहे हैं, कैसे इतने लोगों को बुलाया भजन कराने के लिए। ये रोज मंदिर में आता है और मंदिर की बड़े बड़े सेवा कर, दूध दही और छाछ सब जो आता है ना, ये खूब देते मंदिर सेवा देते हैं। इसको देख लो, तुम्हारे गाँव के ना जानते हो ना, देखो तिलक लगा, गले में देखो धोपड़ा डाले, हरिनाम को तिलक लगाए, गले में करती माला जम कर रही। इसकी पत्नी यहाँ पर कोई बैठी है? इसकी पत्नी कौन है? कौन है? देखो ये बैठी हुई, देखो तिलक लगाए, गले में कंठी। इनके बच्चे भी देखो, इनके बच्चे भी बैठे, देखो तिलक लगाए, गले में कंठी माला। पहला संस्कार पिता माता से पड़ेगा। इनका छोटे भाई हैं और पीछे जो खड़े हुए छोटे भाई हैं, उनका पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है। ये सब भजन करते, इसलिए उन्होंने भक्ति देखा, इसलिए उन्होंने बोले बाबा हमारे गांव में भी कथा करो, हम चाहते हैं हमारा गांव भी ऐसे प्रभु का भजन में भक्ति में लग जाए। हर जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होना, वही घर ही भगवान का धाम, वही वृंदावन बन जाएगा। घर बच्चे शराब नहीं पिएंगे, तुम्हारे बच्चे सिगरेट नहीं फूकेंगे, लड़कीबाजी नहीं करेंगे, जुआ नहीं करेंगे, हैं कभी उल्टा पुलटा गंदे काम में बच्चे कभी नहीं जाएंगे, और सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता के आदेश पालन करेंगे, क्योंकि जब उनका अंदर में संस्कार बने, ठीक है ना। इसलिए ये शिक्षा में, और जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे, नारद तो इतने खुश हो रहे थे, नाच नाच करके बिना बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद
कथा थी जिसको कहते हैं अम्बरीश महाराज की कथा। ये जो अम्बरीश महाराज ना, ये पूरा पृथ्वी का, पृथ्वी के ऊपर इनका राजत्व था। जैसे मोदी, मोदी का नाम जानते कि नहीं? नरेंद्र मोदी का नाम तो है, वो भी प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, केवल भारत के। लेकिन उसी समय जो पृथ्वी है ना, उसी समय ये पृथ्वी पूरा एक था। ये पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ही राजत्व कर रही थी। लेकिन करते हुए भी क्या करते थे? ठाकुर का भजन करते थे। लेकिन अगर हमारे पास में थोड़ी मोड़ी पैसा हो जाएगा ना, हम क्या करेंगे? हम अगर मंदिर कोई स्थापन करेंगे ना, फिर मंदिर का सेवा नहीं करेंगे, तो एक नौकर को लगा देंगे और खूब खूब घूमते रहेंगे। लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर राजो तो करते हुए भी भगवान का नाम करते थे, भक्ति करते थे, पति पत्नी ठाकुर जी की प्रेम करते थे, हैं। इसलिए अभी हमारे बीच में हमारे तिरुतमाल प्रभु जी, उनकी कथा को प्रभु जी ने कथा सुनाएंगे। इसको बाद में फिर कथा को विश्राम हो जाएगा और सबके सब प्रसाद लेकर ही जाओ, बगैर प्रसाद से कोई नहीं जाना। और कल कोशिश करना टाइम से आ जाओ। कितना बजे आओगे? जोर से बोला महाराज जी, कथा वाले भगत को प्रसाद ही भगत ज़्यादा है। इसलिए प्रसाद की वक्त होनी चाहिए, अच्छी बात है, प्रसाद से कल्याण हो। लेकिन थोड़ी सी अगर जल्दी 5 बजे आ जाना, कल ठाकुर जी जन्म लेंगे, कन्या भी जन्म लेंगे, कल प्रभु राम का जन्म होगा, कल ठाकुर बामन देव भी जन्म, कल सब ठाकुर जन्म लेंगे। इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आना। कौन सा रंग का कपड़ा पहने करके आओगे? पीला रंग की, ठीक है ना? और बढ़िया श्रृंगार देगा। और एक चीज करना, ध्यान दे सकता हूँ, सोने की कोई चीज़ पहन कर नहीं आना, सोने की कोई चीज़ पहन करके माताएँ नहीं आना। अगर सोने की चीज़ पहन करके आओगे तो ये चीज़ को अपनी आप रखवाली रखना। ऐसे नहीं बोलना बाबा ने कथा की हमारे सोने चोरी हो गई, कान की कुंडल चल गई, गले की चैन चली गई, फिर बेचैन से होकर भी जाओगे, चैन पहन कर जाओगी और बेचैन से होकर भी जाओगी। इसलिए हम कहीं कहीं कथा करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर खूब लुटते देते हैं ना, टप्पी देते हैं, चॉकलेट खूब देते हैं, उसमें क्या होता है ना, कुछ चोर लोग भी आ जाते हैं और चोरी करने के लिए आ जाते हैं चोर लोग। और गले से हम बहुत से जगह पर गले से चैन एवं चोरी हो जाती है। इसलिए अगर चैन पहन करके आना तो खूब ध्यान रखना, अगर नहीं पहन कर आओ तो बढ़िया, लेकिन बढ़िया कपड़ा पहन करके आओ। और जो अलंकार पहनोगे ना, वो सोने की नहीं पहनना, दूसरी चीज़ की पहन करके आना, ठीक है? फिर हमको आज मैं सावधान बोल दिया, कल मेरे को बोलना नहीं बाबा मेरी ये चली गई, बाबा मेरी ये चली गई। अपना दायित्व में रखना, अगर सोने की कोई चीज़ पहन करके आओगे तो, ठीक है? बलसी वृंदावन बिहारी लाल की। और अपना घर से कुछ टपनी, कुछ खिलौना, ये सब आप लोगों का कथा लेकर के आना, हम आप लोगों को ही लुटाएंगे, ठीक है? बोलो आगे, एकदम आगे बोलिए। सक्सर अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्तये नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणमिति नामिने वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टपरिषद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अशंक कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म मंच आसन ओम विष्णुपाद अष्टपरिषद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अशंक कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीला परम गुरु महाराज समस्त रूपानुग्रागण गुरुवर के श्री चरण कमलों में अशंक कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उनका हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णववृंद एवं तथा पिपल से समस्त श्रोतृवृंद के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार है। पूज्य श्री गुरु जी का आदेश हुआ है इस दिव्य पावन अवसर पर भक्त के चरित्र गवाए में श्री महाराज अम्बिक जी के दिव्य जो लीला है कथा है उसके बारे में मैं भी कुछ उन्हीं के चरित्र को गुणगान करके अपने आत्मशोधन की चेष्टा कर पाऊँ। जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित जी को बतला रहे हैं, हे परीक्षित जी सप्तदीप वतिम महिम। महाराज अम्बरीश कौन थे? महाराज अम्बरीश पूरा जगत के सातों दीपों के संपूर्ण जगत के एक छत्र सम्राट थे, किंतु उनके अंदर कभी भी अहंकार देखा नहीं गया। हमारे पास यदि चंद रुपए अथवा कुछ मिल जाए हमें अहंकार आ जाते हैं, कुछ लाख रुपए मिल जाए तो अहंकार आ जाते हैं, लेकिन वे पूरा विश्व के राजा थे, किंचित अहंकार भी उन्हें छू नहीं पाए। जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित उन्हें अहंकार क्यों छू नहीं पाए? वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधु, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते थे, भगवान श्री कृष्ण के एवं उनके भक्तों के भक्त थे, इसलिए कभी भी उन्हें अहंकार छू नहीं पाए। क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं बिन सत्संग विवेक ना हो। सत्संग से क्या प्राप्त होता है हमें? सत्संग से हमें विवेक की अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह हमें पता चलता है। उसी प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज पूरा विश्व के राजा होते हुए भी वे सत्संग में एवं भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा के रखे थे। जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी भी उनके राज्य में प्रजा पालन के समय किसी प्रकार से उन्हें कष्ट आदि उनके सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? देखिए, राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति आज हम जगत में देख रहे हैं, एक छोटे से प्रांत में कितने सारे समस्याएं हैं, फिर पूरा देश में पूरा विश्व में कितने समस्याएं हैं, लेकिन समस्त समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। क्यों समाधान नहीं कर पाते? जहाँ पर अस्मदीय परम आराध्यतम परम गुरु पाद पद्म के गुरुजी जो हैं वे कहते हैं देखिए तभी जाके अर्थनीति समाज नीति और राजनीति तभी जाके ठीक से चल सकता है जब वह धर्म नीति के आश्रय में होकर चले। यदि धर्म नीति के आश्रय में होकर नहीं चले तो वह ठीक से नहीं चल सकते। उसी प्रकार महाराज अम्बरीश सदैव वे साधु वैष्णवों के आनुगत्य में उनके दिशा निर्देश से चलते थे, जिसके कारण कभी भी किसी प्रकार के उनके प्रजा पालन में कष्ट आदि का सामना नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार से महाराज अम्बरीश जी सदैव इस प्रकार से वे भगवान के सेवा में लगे रहते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी जी जहाँ पर कहते हैं सबै मनः कृष्ण पादरविन्दयो वासंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि वे अपने मन को भगवान के चिंतन में सदैव लगा के रखते थे।
जब तक हम अपने मन को भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो मन क्या करेंगे, मन इधर उधर के दुर्वासनाओं में चले जाएंगे। क्योंकि मन, जब तक हम मन को जीत नहीं सकते तब तक मन के जीते जीत है मन के हारे हार। मन मिलाए राम को दे जहत जहत जी, कि मन ही राम को मिलाने वाले हैं, भगवान को मन ही मिलाने वाले हैं। यदि वही मन यदि मलिन हो तो भगवान को कैसे, भगवान तक हमें लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से मन तभी जाके पवित्र हो सकता है जब हम मन से भगवान का चिंतन करें। और वे अपने हाथों से सदैव भगवान का मंदिर मार्जन आदि से भगवान का सेवा किया करते थे, भगवान का मंदिरों का मार्जन किया करते थे। भगवान ने हमें जो हाथ दिया है वो हाथ हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, भगवान के सेवा के लिए। देखिए, जिनका हाथ किसी एक्सीडेंट में कट गया हो, जो अपाहिज है, जिनका हाथ ठीक नहीं है, वे यदि चाहे भगवान की सेवा करने की इच्छा करे तो कर सकते ठीक से, नहीं कर सकते। क्यों? उनका हाथ ठीक नहीं है। उसी प्रकार से हमें हाथ मिला है, ठीक है हमारे हाथ, यदि हम भगवान की सेवा में ना लगाएं तो ये हाथ कब चले जाए हमें पता नहीं। हाथ के रहते हुए हम भगवान की सेवा कर लें। श्री अम्बरीश महाराज जी वे सदैव भगवान के कथा कीर्तन को श्रवण करते थे। भगवान के कथा कीर्तन को जहाँ पर वे नित्यवर्ती गौतम ऋषि के निकट जाते थे। एक दिन गौतम ऋषि के निकट जाके पूछने लगे कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिसके द्वारा समस्त मेरे जितने भी प्रजागण हैं सबका मंगल हो। अम्बरीश शोक प्रोक्तम नित्यम भागवतम श्रीनो पटश्वासामुकेन अपि यदि सती भवक्षयम्। अम्बरीश महाराज जी को संबोधन करते हुए बोलने लगे गौतम ऋषि, हे अम्बरीश महाराज, तुम नित्यवर्ती भागवत कथा की श्रवण करो, भागवत कथा की श्रवण करो, भागवत कथा को तुम अपने रानियों को सुनाओ, तुम संतों से भागवत कथा श्रवण करो, इससे क्या होगा, अनायास ही भवसागर को पार कर जाओगे। इस जगत से, इस भवसागर से यदि किसी को पार करना है उसको विशेष करके भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा कैसे है, भगवान की कथा विशेष करके हमें इस भवसागर से पार कराने वाले हैं। जो कथा अमृत है, सामान्य अमृत जैसे नहीं है, जो हमारे जीवन के कष्ट को मिटाने वाले हैं। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी भगवान के सेवा, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा के रखे थे। ऋषि की केन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति किसे कहते हैं, गुरु जी बता रहे हैं ना, सभी भक्ति करो, जप करो, भगवान का भजन करो। भजन किसे कहते हैं, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना ही भक्ति है। इसी प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज जी वे भगवान के कथा कीर्तन को सुनते थे, संत एवं भगवान का सेवा करते थे, भगवान के मंदिर का मार्जन करते, स्वयं अपने हाथों से राजा होते हुए भी एवं नित्य प्रति अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। और इस प्रकार से 15 दिन में आने वाले जो एक एकादशी है, देखिए सत्ययुग में बड़े बड़े मुनि ऋषिगण आए, अनेक हजारों साल तक तपस्या किए, उसके पश्चात भगवान मिले, वो भी भगवान मिले ये या नहीं, इसमें भी क्योंकि हम विशेष करके अनेकों 60,000 70,000 20,000 इतना लंबा समय तक तपस्या करने के पश्चात भगवान मिले, लेकिन कलयुग के जीव का आयु कितना है, 100 साल भी नहीं है, तो हम ऐसे लंबा समय तक तपस्या कैसे करेंगे। और तपस्या करने के लिए भी मन की शुद्धि होने की अति आवश्यकता है, हमारे मन तो शुद्धि है ही नहीं, यदि हम बैठे कहीं तो पूरा दुनिया का चिंता हमारे मन में आ जाएंगे अपने आप। जिस प्रकार से टेप रिकॉर्डर प्ले करना पड़ता है ना, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे अंदर 5 टेप रिकॉर्डर है जो अपने आप प्ले हो जाता है, उसे बोलना नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार से हम जगत में जो टेप रिकॉर्डर अपने आप क्या हम ऑन करते फिर वह ऑन प्ले होता है, लेकिन यह टेप रिकॉर्डर कैसे है, चुपचाप बैठ जाओ, देखना दुनिया नमाने का क्या क्या किए, कितने सालों पहले क्या किए, सब कुछ अपने आप प्ले होते रहेंगे। तो इसी प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज जी
विशेष करके वे भगवान के सेवा में अपने समस्त इंद्रियों को लगा के रखे थे, मन को भगवान के सेवा में लगा के रखे थे। मन को वे कभी भी खाली छोड़े नहीं, क्योंकि मन को मन हमारे लिए विशेष करके भगवान तक पहुँचा सकते हैं। मन ही हमें दुष्कर्म की ओर आगे बढ़ा सकते हैं यदि हम मन को भगवान की सेवा में ना लगाए तो। इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी 15 दिन में आने वाले जो एकादशी तिथि को पालन करते थे, जो मैं बात कर रहा था तपस्या की, क्योंकि इतना उम्र भी नहीं है और मन भी चंचल है, तपस्या हम कर नहीं सकते हैं, तो भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, तो इसके लिए शास्त्र में बतलाए हैं कि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में एकमात्र आधार स्वरूप है भगवान का नाम। तो भगवान को, भगवान के नाम को करने के लिए उसको शक्ति चाहिए, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं। यदि भूखे पेट हो तो कार्य ठीक से कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। यदि कुछ दिनों से हम भूखे हैं तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से भगवान के नाम को लेने के लिए कुछ तो शक्ति चाहिए हमें। तो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगा? सत्संग से हमें मिलेगा। वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगा? भगवान के कथाओं को सुनने से मिलेगा। वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगा? एकादशी तिथि का पालन करने से। कि भगवान इतना कृपालु है, जब भगवान जगत से गए तो विशेष करके जगत जीवों पर कृपा करने के लिए साक्षात भागवतम के जगत में प्रकटित करा के गए। एवं भगवान विशेष करके अपने नाम को जगत में समस्त जीवों को, जो कलयुग के जीवन अनायास पार हो सकते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से उन्हें प्रचार कराएं। एवं साथ ही साथ एकादशी तिथि कि कलयुग के जीव तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए एकादशी तिथि का ही 15 दिन में एक बार आने वाले एकादशी तिथि का ही पालन करें, इससे उनका मंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज जी वे 15 दिन में आने वाली जो एकादशी तिथि है, महीने में दो बार एकादशी तिथि आते हैं, उसका पालन करते थे। एवं एकादशी के पश्चात द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण वैष्णवों को वे निमंत्रित करके भोजन करा के उसके पश्चात वे पारण करते थे। हम व्रत रखते हैं, व्रत का अर्थात पारण का भी एक निश्चित समय होता है द्वादशी के दिन, उस निश्चित समय में हमें पारण करना चाहिए, नहीं तो हमें पारमार्थिक दोष लगता है। और इस प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज जी एक बार की बात है एकादशी तिथि पालन किए, किंतु द्वादशी तिथि के दिन जब वे पारण करने का समय हो आया, उससे पूर्व उन्होंने ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन कराए, दान दक्षिणा आदि देने के पश्चात स्वयं जब भोजन करने के लिए गए, पारण करने का समय हो, क्योंकि दो घड़ी का समय था, अर्धा घड़ी बचा हुआ था, अब समय वो आया है, बस भोजन करना था, पारण करना था। किंतु उस समय क्या हुआ, महान योगी दुर्वासा ऋषि उपस्थित हुए। दुर्वासा ऋषि को देख कर वे परम आनंदित हुए एवं हर्ष चित्त से उनको दिव्य आसन में बैठाए एवं उनसे प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, आप मेरे गृह में आप भोजन कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि बोलने लगे कि हे महाराज अम्बरीश, मेरे कुछ क्रियाकर्म आदि बाकी रह गए हैं, मैं उसे जाके यमुना जी के तट में जाके पूरा करके आता हूँ, तुम तब तक प्रतीक्षा करो, मैं आ जाऊँगा जल्दी। लेकिन वे गए जल्दी और आए हैं, तब तक समय हो चुका था। वे बड़े ही चिंता में हैं कि यदि एकादशी का पारण ठीक समय से ना करूं तो पारमार्थिक का पालन समय में नहीं करते हैं तो दोष लगता है। और दुर्वासा ऋषि को मैंने निमंत्रित किया है, उनको यदि मैं भोजन ना करा के मैं यदि पारण कर लूं, भोजन कर लूं, तो वे उससे रुष्ट होंगे, अभिशाप दे देंगे। वे बड़े ही भयभीत है, क्या करूं। तब वे वैष्णव ब्राह्मणों के निकट से पूछे कि ऐसे में विकट समस्या के समय क्या करूं, आप लोग मुझे कुछ बतलाइए। तब सभी ने परामर्श दिया, हे महाराज अम्बरीश, आप किंचित भगवान के चरण अमृत को ले लीजिए, जल ले लीजिए, उससे आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका किसी प्रकार से भोजन लेने का दोष भी नहीं लगेंगे। ब्राह्मण का सत्कार करने के पश्चात आप भोजन कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप पालन कर सकेंगे। इस प्रकार करने से तो तब क्या हुआ, वे किंचित भगवान का चरण अमृत ले लिए और एक प्रकार से उनका पारण हुआ है। उस समय पश्चात किंतु दुर्वासा ऋषि अपने
योग में ध्यान में वे यह जान गए कि अमरीश महाराज पारण कर चुके हैं। वे आके बड़े क्रोधित हुए और बोलने लगे, हे महाराज अमरीश, तुम मुझे क्यों निमंत्रित किए? यदि आदर सत्कार करना नहीं जानते हो तो क्यों निमंत्रित किए? मेरे आने से पूर्व ही, मुझे भोजन कराने से पूर्व ही तुम खा लिए। किंतु अमरीश महाराज जी भोजन किए नहीं थे, बस किंचित जल से पारण किए हुए थे। अब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अपने एक केश को वे लेकर, जटा से केश को लेकर वे तुरंत पटक दिए। उससे कृत्ता राक्षस प्रकट हो गई और कृत्ता राक्षस को आदेश दिया, जाओ इस राजा को जाकर तुम मार दो। उसमें तुरंत जैसे ही कृत्या अमरीश महाराज को आगे बढ़ने लगी उन्हें मारने के लिए, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए एवं कृत्या राक्षसी को तुरंत भस्म कर दिया। किंतु यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो भक्ति की क्या महिमा है। वे किंचित भी डरे नहीं, कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। क्यों डरे नहीं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान का भक्ति है, भगवान पर अटल विश्वास है कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालना। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र कृत्या राक्षसी को मार के दुर्वासा ऋषि को और आगे बढ़े। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे, अरे मेरी और क्यों आगे बढ़ रहे हैं ये सुदर्शन चक्र? तब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे। श्री सुदर्शन चक्र जब पीछा करने लगे वे भागने लगे। इस प्रकार से सातों लोक, नीचे के जितने भी सातों लोक थे, ऊपर के जितने भी सातों लोक थे, 14 लोक में वे गए, कहीं भी उन्हें उनका किसी प्रकार का रक्षा हुआ नहीं। अंत में वे शिव लोक में गए एवं शिव जी के निकट जाकर प्रार्थना किए कि हे शिव जी आप मुझे बचाइए। तब शिव जी कहने लगे कि हे दुर्वासा जी, आज आप कहाँ पर टांग अड़ा लिए? आप भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध कर लिए, उनसे द्वेष बढ़ा लिए। मैं जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों के चरणों में जो अपराध करते हैं, उन्हें मैं भी बचा नहीं सकता। जिनका चक्र है तुम उनके निकट जाओ। तब दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए वे जल्दी से द्रुत गति से वैकुंठ लोक में पहुँचे एवं भगवान श्री विष्णु के चरणों में जाकर गिर पड़े और बोलने लगे, शरणम शरणम प्रभु, हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान कहने लगे, हे दुर्वासा ऋषि, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे प्रभु आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन मेरा रक्षा करेगा, क्योंकि मैं आपके शरणपन्न हूँ, शरण में आया हूँ। तब भगवान कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो अश्वतंत्र साधु ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिया। भगवान स्वयं कहने लगे, हे दुर्वासा मैं अपने भक्तों का प्रिय हूँ, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ। हे ब्राह्मण निश्चित यह जानो, मैं अपने भक्ति से कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ, वे अपने भक्ति से मुझे सदैव बांध के रखे हैं, मैं उनके हृदय में सदैव बांधा रहता हूँ। अब वे मेरे हृदय को अपने भक्ति से बांध के रखे हैं, पराधीन यह स्वतंत्र युवा दे दो, मुझे सदैव उनके निकट से अस्वतंत्र जानो। और भगवान फिर आगे कहने लगे, साधवो हृदय माह्यम साधुनाम हृदय त्वाहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। साधु मेरे हृदय है, समस्त साधु मेरे हृदय है एवं समस्त साधुओं का मैं हृदय हूँ। मैं साधु के अतिरिक्त किसी को जानता नहीं और साधु भी मेरे अतिरिक्त किसी को जानते नहीं। एक प्रकार से दुर्वासा ऋषि को यह इंगित दे दिया कि तुमने जो महत अपराध किया इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ, मैं एकमात्र मेरे भक्त को ही जानता हूँ। तब दुर्वासा ऋषि बोलने लगे, हे प्रभु आप तो कुछ उपाय बतलाइए, आप यदि उपाय नहीं बतलाएंगे तो मेरा रक्षा कौन करेगा? तो भगवान कहने लगे, एक उपाय है, तुम जाओ जहाँ पर तुमने अपराध किया अमरीश महाराज के निकट जाकर तुम क्षमा याचना करो, वे यदि क्षमा करें तब जाकर क्षमा हो सकते हैं, मैं तो तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता। श्री दुर्वासा ऋषि हस दौड़ते हुए वे कहाँ पर आए? द्रुत गति से पृथ्वी लोक में आए और जहाँ पर अमरीश महाराज जी थे वहाँ पर आके उनके निकट आए। जैसे ही उनके सम्मुख उपस्थित हुए अमरीश महाराज, वे हाथ जोड़कर
उनको प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए और कहने लगे, हे मुनिवर आप कहाँ चले गए थे? और इतना ही कहा, दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े। जैसे उनके चरणों में गिर पड़े, अम्बरीश महाराज बड़े लज्जित हुए कि दुर्वासा ऋषि जैसे महान योगी मेरे चरणों में गिर पड़ा। वे हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभुवर आप ऐसे मत कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि आप ही मुझे रक्षा कर सकते हैं इस सुदर्शन चक्र से, मैं आपके चरणों में अपराध कर दिया, आप मुझे क्षमा करें। तब अम्बरीश महाराज जी बहुत सुंदर सजा पर सुदर्शन चक्र जी का प्रार्थना किया, स्तुति किया, सुदर्शन चक्र अपने स्थान में चले गए शांत होकर। एवं अम्बरीश महाराज जी जहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु आप कृपा करके अब भोजन कीजिए। तब श्री दुर्वासा ऋषि कहने लगे, आज मैं भक्तों के महिमा जान गया। यन्नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवते निर्मला तस्य कृता तदा किं दासनाम अवशिष्यते। कि जिनके नाम को लेते ही जीव निर्मल हो जाते हैं, भगवान के नाम को जो करते हैं उसके हृदय शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। जिनका नाम लेते ही जीव शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते हैं, वैसे भगवान के जो प्रिय भक्तगण हैं उनके लिए क्या बाकी रह जाता है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जहाँ पर बहुत सुंदर से अम्बरीश महाराज एवं भक्तों का जहाँ पर दिव्य स्तुति किया, और इस प्रकार से इस उपस्थान से हमें विशेष करके यहाँ शिक्षा मिलता है कि भगवान स्वयं, भगवान का जो भजन करते हैं उसका रक्षा करते हैं, भगवान स्वयं उसका भार वहन करते हैं, योगक्षेम वहन करते हैं, एवं उसके पास जो है, जो नहीं है उसको उस तक पहुँचाते हैं, और जो है उसको स्वयं रक्षा करते हैं। इस प्रकार से हमें सदैव भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भक्तों के वाणी पर विश्वास करना चाहिए, एवं भगवान को हमें प्रसन्न करने का चेष्टा करना चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने का चेष्टा क्या है? उनका नाम को जपना, उनके दिव्य भागवत कथा का श्रवण करना। वंशा कल्प दर्वस्य कृपा सिंधु पे देखो, प्रभु ने जो कथा सुनाई ना, इसमें एकादशी की महिमा है। देखो अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे ना, इसलिए दुर्वासा जी को नहीं, ये शंकर जी की प्रकाश है। लेकिन जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखते हैं तो उनको जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उनको कौन रक्षा करता है? ठाकुर का सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र उनको रक्षा करता है जो एकादशी व्रत रखते हैं। हम लोग अंदर में कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं? हाँ दादा, हम बीच में और भी एकादशी की हम कथा सुनाएंगे कि जो एकादशी व्रत है, ये भागवत में जैसे कोई सोमवार करते हैं, कोई मंगलवार, कोई बृहस्पतिवार, अलग अलग व्रत करते हैं, लेकिन भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है। भागवत में केवल एक ही व्रत का नाम है, ये एकादशी व्रत का कथा, केवल एकादशी व्रत की कथा। लेकिन कुछ कुछ माताओं का भ्रम, कहते नहीं एकादशी तो विधवाएँ करती हैं, सधवा थोड़ी करती हैं। नहीं, भागवत पढ़ करके देखो, मैया जसोदा घर में लाला नहीं था, जब उन्होंने पुत्रा का एकादशी व्रत किया ना, घर में कृष्ण जन्म हुई। मैया जसोदा थोड़ी विधवा थी। अभी जो अम्बरीश महाराज की कथा सुना है, वो पति पत्नी दोनों एकादशी व्रत रखते थे मथुरा में। जो सबसे जो बड़ी एकादशी आएगी आपको, वो सबसे बड़ी एकादशी पांडवा निर्जला है, जिसको पांडव लोग अपना पत्नी द्रौपदी को साथ में ये पंच पांडव रखते हैं, व्रत रखते थे। क्या कुंती थी ये हमारी जो द्रौपदी, वो विधवा तो पड़ी थी। कहती है रुक्मिणी और सत्यभामा इनको कृष्ण कैसे मिले? बोले केवल ये एकादशी व्रत से ही इनको कृष्ण मिले। इसलिए जो एकादशी व्रत रखते हैं ना, उनको भगवान कृष्ण उनको मिलते हैं। सबसे जो बड़ी बड़ी व्रत है एकादशी व्रत है। जो एकादशी व्रत रख लेते हैं ना, उनको और कोई व्रत रखने का जरूरत नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसके लिए फिर उद्यापना करना पड़ जाता है। नहीं, हमारे भक्ति जगत में कोई उद्यापने का नाम नहीं है। जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक एकादशी व्रत रखो। जब तुम्हारी समर्थ नहीं, एकादशी व्रत अगर रहा नहीं जाता है, छोड़ सकते हैं, हैं? लेकिन उसमें कोई उद्यापना उसमें है नहीं। इसलिए एकादशी सबसे बड़ी ये है, इससे बड़ा व्रत दुनिया में कुछ नहीं। ये जो कथा सुना रहे थे, ये भागवत का ही कथा है, अम्बरीश महाराज की कथा,
एकादशी की कितने महिमा, इसको सुदर्शन चक्र जिनको हर समय रखा करता है। इसलिए अगली बार से बीच में हम और भी कथा सुनाएंगे, आप लोग सब के सब ये एकादशी व्रत को जरूर रखा करना। बोले एकादशी व्रत की जय। श्री कृष्ण आदमी हमारे प्रभु जी होली कीर्तन करेंगे, कल जैसे खून नाचे गए ना, आज भी हम फूल लेकर के आए और लास्ट दिन भी हम होली करेंगे, लास्ट का दिन ना सब गुलाल लेकर के आना, खूब धूमधाम से आज भी रज में होली रे। हाँ अभी भी प्रभु जी होली गाएंगे, फूल भी लाए खूब नाचने को देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बहुत अच्छा, आज लोग बहुत सारे लोग कथा नए नए लोग सुनने के लिए आए, जैसे महाराज जी कह रहे थे भागवत में भी आप सुन रहे हैं, बड़े बड़े महाराज लोग कथा सुनने के लिए आते थे, अभी बता रहे हैं ध्रुव महाराज, बहुत बड़े महाराज, अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे। यहाँ थोड़ा बहुत थोड़ा किसी का काम हो ना, कहते प्रभु जी टाइम ही नहीं मिल रहा, हमारे पास इतना काम है, और माता जी को पूछो प्रभु घर का इतना काम करना पड़ता है, काम तो पूरा जीवन ही करना पड़ेगा, परंतु अभी तीन दिन की बात है बस, चार दिन, और नियम है आप इतिहास भागवत रामायण श्रवण करके देखो, अगर नारद जी आएंगे ना, पांच पांडव सारे काम छोड़कर, कुंती बुआ सारे काम छोड़कर सब नारद जी का आदर करेंगे, क्योंकि ये परंपरा है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्या मंगल नहीं होता। आपके गांव में स्वयं भागवत कथा, इसे साधारण मत मानो, इस गांव के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है, यहाँ पर जो भागवत माने भगवान, भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। जैसे महाराज जी बता रहे थे तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामये भागवत स्वरूपम। जो आदि देव तमादि देव है वो भगवान करुणा करके इस भागवत में आए हैं, आप जो भी वर मांगोगे वो वर भागवत देने में समर्थ रखती है, भगवान भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो भी मंगल चाहते हैं अपने पुत्र को बोल सकते हैं, अपने पति को, नाती बेटा एक बार आओ भागवत से प्रणाम करके जाओ, एक बार जरूर आओ 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आज बहुत सारे लोग नए लोग आए हैं, जो महाराज जी ने आप लोगों से बोला था, ऐसे ही सब लोग कल भी क्या करेंगे, जरूर दो दो व्यक्ति को या दस दस व्यक्ति को लेके आएंगे, प्रसाद की चिंता नहीं करना, आप जितना लाएंगे हम, मतलब विशेषकर भगवान की विशेष कृपा है, भक्त लोग उतना ही प्रसाद बांटेंगे, हमारे डोरी लाल प्रभु जी इतना ही आनंद करेंगे, इतना आनंद आ रहा है इस गांव में। कुछ माताएं कह रही थी कल हम जा रहे थे बाहर, हमारे डोरी लाल प्रभु जी को पकड़ लिया बाबा, तो बोले कि आपने कहा 1.25 लाख की चुनरी, ब्रज में 1.25 लाख की चुनरी पहनाते हैं, कह रहे 1.25 लाख की कौन सासू अपनी बहू को पहना देगी, तो ब्रज में सच में ही है एक एक धूली करोड़ों करोड़ों की है वहाँ पर, अभी महाराज जी कथा सुनाएंगे, 1.25 लाख की चुनरी है तो कम बात नहीं है, आप मजाक नहीं, सच में ही प्रभु जी बोल रहे हो, सच बात है, जहाँ महाराज जी लेना चाह रहे हैं, प्रभु जी आपको ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ करोड़ों करोड़ जो धूल में प्रकट हो जाते हैं, लक्ष्मी देवी वहाँ विराज करती है, अभी आएगा दशम स्कंद में। तो जो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है, हमारे जो सतीश भैया हैं और इनकी पत्नी देवेंद्री है जो होशियारपुर में रहते हैं, तो इनके परिवार से हैं, इन्होंने सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सतीश भैया और उनकी पत्नी देवेंद्री हैं, दीदी हैं, वो तो महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, आरती के समय लेंगे, और यही बात नहीं, जो भी यहाँ पर आता है सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। हमारी माता कल्याणी मोहन थी माता जी, ऐसे आई बोली प्रभु जी यहाँ पर सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी है, मैंने कहा माता जी अभी कथा सुनो, अभी मैं जाऊँगा नहीं लेने, कह रहे नहीं प्रभु जी सबके लिए क्या लड्डू लेके आओ, मैं कहा माता जी अभी कैसे लाऊं, बोली नहीं अभी जाकर लड्डू लेके आओ, तो माता जी ने सभी के लिए अभी लड्डू मंगाए हैं। तो ऐसे इनकी देखो भावना है, कल्याणी मंत्री ग्रेटर नोएडा से आती है और यहाँ पर प्रसाद दिया है, और वो जो हॉलैंड से प्रभु आए हैं, देखो आज इसलिए भावना करें, यहाँ के गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं,
और इतने बढ़िया कीर्तन में श्रवण करते हैं, नाचते हैं, प्रसाद की सेवा करते हैं, बड़ा प्रेम से खिलाते हैं। तो इन्होंने कहा कल ना नंद उत्सव है, नंद उत्सव में क्या है सारे देवी देवता वहाँ पर आनंद लेते हैं, बड़ा कल देखने कितना आनंद आएगा। इन्होंने कहा गुरु जी कल मेरी तरफ से देसी घी का हलवा खिलाना गाँव वालों को, देसी घी का हलवा हॉलैंड के प्रभु जी इनके लिए ताली बजा दो। देख रहे कहाँ से लोग आ रहे, भगवान आप आओ, भगवान आपके लिए इतना बढ़िया प्रसाद भी देंगे, यहाँ नाचना है, गाना है, कीर्तन है, और कुछ भी नहीं करना। घर में तो वो रोज देखो इस मंदिर में जब मैं आया था रात को पूरा अंधेरा, कोई भी बैठा नहीं था, यहाँ रात को 8 बजे आपना 7 दिन के बाद आना, देखो कितने लोग मिलेंगे। सुबह आते कोई कोई आते दूध चढ़ा के चले जाते, और यहाँ 3 घंटे में जो आनंद की गंगा बह रही है वो 7 दिन के बाद आएगी नहीं, 7 दिन ही सिर्फ 4 दिन। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो और इस गंगा को अपने घर में भी ला सकते हो। जैसे हमारे वो पीछे भैया कंचन शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा प्रभु ये संत महात्मा हमारे घर आ सकते हैं, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे मेरे घर ले आइए आप कृपा करके। तो 19 तारीख को दोपहर को हम इनके 10 बजे इनके घर पे जाएंगे, कीर्तन करेंगे, इसलिए 2 दिन का और 18 और 17 बच रहे हैं। जो भी लोग इस गांव के लोग बुलाना चाह सकते बुला सकते हैं, हम इनके गांव में जाके कीर्तन करेंगे, और वहां पर भी बहुत बढ़िया ब्रज के रस ये कीर्तन आनंद होली वहाँ कीर्तन करेंगे। और महाराज जी बोले रंग लेके आना, तो महाराज जी का ये आदेश है और मेरी प्रार्थना है महाराज जी के चरणों में कि यहाँ रंग जो लाते हैं ना भाई, महाराज जी ब्रज के गांव के लोग हैं, ये लोग आँख वाँख चीचड़ उचड़ इतना करेंगे, मेरी प्रार्थना फूलों की होली खेलेंगे। तो महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है फूलों से होली खेलेंगे, रंग मत लेके आना, क्योंकि हमारा नवदीप की परिक्रमा है और सुबह हम जाके रात को इतना कपड़े धोने का टाइम नहाने का टाइम नहीं मिलेगा, हम लोग रंग मत लाना। तो महाराज जी के चरण में प्रार्थना क्या ना फूलों से खेलेंगे, फूलों से हैं, बोलो होली के रसिया की देवेंद्र जी यादव, इधर से यादव की चेयर रख दो, चेयर रख लो फिर चढ़ के आ जाओ, आ जाओ और हलाने का भैया आ जाओ। संजय को ये दे देना रोहित लाल जी, सब ताली बजा उनके नाम पर। और जिनकी इच्छा होगी देखो इधर 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 सुना इधर, और जिनकी भैया 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 भैया, आज जिनकी इच्छा होगी हम भी कुछ सेवा करेंगे। देखो ऐसे नहीं जो पूरा के पूरा तुम्हें भंडारा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं इधर सुना, ऐसे नहीं जो कि पूरा के पूरा हमें भंडारा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अगर कोई सोचेगा हम थोड़ा हलवा भी देना चाहते हैं, जैसे कोई भैया बोले हम हलवा हमारे तरफ में हलवा, कोई बोलेगा नहीं हमारे तरफ में हम पूरी भी देना चाहते हैं, नहीं तो हमारा तरफ में कोई सब्जी भी देना चाहते हैं, ऐसे नहीं पूरा के पूरा देना पड़ेगा। देखो हम पहले बताया था ना भगवान खुद कहते हैं कि जो भागवत कथा ये साक्षात बांके भी आ रही है, एक अन्न की दाना अगर कोई दे देता है सेवा में, ठाकुर खुद कहते हैं किसी जीवन में तुम्हारे घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी, लक्ष्मी भरपूर रहेगी। बेटी की जब शादी होती है ना, देखना एक एक गाड़ी दे देते हैं, करोड़ों रुपया उसमें लुटा देते हैं, करोड़ों रुपया। और यहाँ पर तो ठाकुर के सेवा सभी का मुँह में अन्न जा रहे हैं, अन्न दोगे तब अन्न मिलेगा, अन्न नहीं दोगे तो अन्न नहीं मिलेगा तुमको। अगर इसी जीवन जो अन्न दिया होगा ना तभी उसको अन्न अगले जीवन में मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो मिलेगा कहाँ। इसलिए अगर कोई चाहे हम थोड़ा थोड़ा कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हो, कोई इतने पूरा के पूरा उसका भंडारा देना पड़ेगा कोई नहीं, लेकिन हम चाहते हैं जितना दिन तक कथा हो उतना दिन तक आपका गांव में उत्सव हो, सबको प्रसाद मिले, हाँ सब लोग आनंद में नाचे कूदे और भगवान के प्रसाद पा करके जाए। सबका मुँह में एक एक अन्न पन्ना कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हाँ प्रभु जी अभी होली सुनाएंगे, सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर सब नाचना होली में। हाँ बढ़िया सर, हाँ बोलो, एक बार जयकारा हो जाए राधा रानी कन्हैया को, हम बुला रही है और कहा कह रही है सुनो बहरी के रसिया Yeah.
I'm gonna be the one.
इधर का गोपियां तो कुछ नाच रही थी, इधर तो कोई नाच नहीं रही थी।
बार मेरे साथ में हाथ उठाए एक बार, बोल हरि 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 देखो भागवत में एक श्लोक आता है, वो श्लोक कहता है, ध्यान देकर सुना, इस पेड़ क्यों हुए हैं, ऐसे इन लोगों ने कौन सा कर्म की जो पेड़ होकर के एक जगह में खड़े हुए हैं। देखो ध्यान देकर सुना, कहते भगवान इनको तो इंसान का जीवन दिया, लेकिन जब शादी विवाह हुआ ना, वो तो मेन रोड में पी पी करके मेन रोड में नाचे, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन हुआ ना, पेड़ जैसे खड़ रहे। बोले मेरे कीर्तन में पेड़ जैसे खड़ रहे, तो अगले जीवन में तेरे को पेड़ ही जन्म दे दूंगा। ये भागवत मैं नहीं कहता हूँ, ये भागवत कहता है, इसलिए समझे सब एक बार नाचो, नहीं तो पेड़ बनना पड़ेगा। हाथ उठाओ समझे सब, प्रभु जी चुप बैठो। बोले हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि बोल